टाइम याद रखना दोपहर 2 बजे से। हाँ एक्सरसाइज आप पढ़ोगे आज 5.3 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सभी रेडी हो? हाँ चलिए ठीक है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ना। सभी बच्चे एनसीईआरटी किताबें लिए होंगे तो 5.3 ओपन कर लीजिए, क्लास 10th की मैथ है। और सभी का कमेंट आ रहा है, ठीक है बेटा वेरी गुड, क्लास 10th ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिए, इधर साइड में कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग। पहले तो आप लोग ये बताओ कमेंट करके, क्या आप लोग फार्मूला जानते हो कि नहीं? नहीं जानते हो तो मैं बताऊं, समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। योग का एक ही फार्मूला होता है, बहुत आसान होता है, ये पूरा चैप्टर ही बहुत आसान है, लेकिन क्लास को एंड तक देखना बच्चा, ठीक है? सौरभ हाँ कमेंट आ रहा तुम्हारा भी, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है बेटा वो क्या कहता है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप थोड़ा फार्मूला अगर लिख लेते तो बेहतर रहता। जो योग वाला सूत्र होता है उसे लिखो, दो सूत्र इसमें यूज करेंगे हम लोग, लिख लीजिए। यदि किसी एपी के, पहले इसे लिख लो, जो बोल रहा हूं मैं सब कुछ लिखूंगा नहीं, सुन लो। यदि किसी एपी के प्रथम यन पदों का योग यस है, यदि किसी एपी के प्रथम यन पदों का योग यस है तो इनका योगफल बराबर क्या होता है सूत्र? लिखो, नीचे लिख दूं क्या मैं? हाँ यहाँ लिखता हूँ, यस यन, कैपिटल में यस लिखोगे, यस यन बराबर, ठीक है फटाफट लिखो, यन अपान टू, कोष्ठक के अंदर होगा बेटा वही जो सब पढ़ते आए हो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, ये एन माइनस वन है याद रखना, ये सूत्र होता है आपका, ठीक है। सूरज कुमार, प्रिया सिंह, सबका कमेंट आ रहा, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है आपका। देखो इसमें मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, 5.3 में। 5.3 क्या कहता है? 2, 7, 12 10 पदों तक योग ज्ञात कर। पहला क्या कह रहा है? 7, 12 डॉट 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 10 पदों तक क्या करना है हमें? इस श्रेणी का योग ज्ञात करना है। तो बेटा ये फार्मूला लगाओगे छोटा सा बहुत ही प्यार से, ये तो सूत्र मैं पहले लिख दिया हूँ, बाकी आप लोग लिख लेना दिया है, ठीक है। सूत्र लिखने के पहले लिख लो दिया है, दिया है क्या क्या दिया है? देखो ये एक समांतर श्रेणी है तो इसका पहला पद दिया है, पहला पद क्या है? 2। आप लिखोगे ए बराबर क्या दिया है? 2। आप देखो यहाँ पे डी बराबर भी दिया है, डी का मतलब सर्वांतर, जो कि दूसरे पद से पहला पद घटा के निकालते हैं, आप घटा के देखो 5 आएगा। हाँ इसमें एक चीज और भी दिया है, यन बराबर दिया है, यन बराबर कितना दिया बच्चा? 10 दिया है ना, यन कितना दिया? 10 दिया है, क्योंकि अंतिम जो पद है जन्मा पद क्या है? 10 है, कितना है? 10। चलिए मान रख देते हैं, समझो यहाँ पे यस 10 भाई 10 है, इक्वल एन की जगह पे 10 रखोगे, जहां जहां एन है वहां वहां 10 रखोगे, 2 गुणे ए, ए का मान 2 है तो 2 रख दो, धन एन की जगह पे 10, क्यों भाई एन की जगह पे 10 रखोगे ना? माइनस 1 × 5 डी की जगह, बस कितना आसान है ना, देखो कितना आसान है। ज्योति सेन जो पढ़ा रहे, पहले इसे तो देख लो, इतना लिख लीजिए आप लोग, मैं देखूं थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है कि नहीं, अच्छा दिख रहा है ना बाबू? सही दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो ठीक है, डोंट वरी, मस्त दिख रहा है, फ्रेंडशिप वीडियो ठीक है। जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं क्लास को लाइक जरूर करें, देखो लाइक करते हो तो बड़ा मोटिवेशन मिलता है, उत्तर तो आ गया आपका देखो।
देखो आ गया, आ गया आंसर तो आ गया, बहुत प्यार से देखो आ गया। ये आपका हो जाएगा, कट जाएगा दो से, तो आपको पता है पांच हो जाएगा। इसमें देखो गुणा करके ये चार हो जाएगा, और ये आपको पता है प्लस का साइन है तो प्लस लग जाएगा। दस से एक जाएगा नौ आएगा, पांच में गुणा करोगे नौ पच्चीस कितना हो जाएगा पैतालीस, कितना हो जाएगा बच्चा पैतालीस। बस हो गया, कितना आसान है ना। यस टेन, अब सीधा सीधा मुझसे यस टेन, तो बराबर कितना हो जाएगा पांच गुणा उनचास यस टेन। अभी दिख रहा है ना, गुणा कर लो पांच नौ पैतालीस, पांच हासिल आया चार, पांच चौक बीस, चार चौबीस, दो सौ पैतालीस आया। कौन सा? इनके दस पदों का योगफल। सभी को समझ में आ रहा है ना, जल्दी जल्दी से बताओ कि हाँ आ रहा है। कक्षा आठ का बेटा पीबीआर स्टडी एप्लीकेशन में मिलेगा, यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया गया। स्क्रीन शॉट ले लो, मैं सामने से हट गया हूँ। चलो जल्दी से आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसका पहला पार्ट हो चुका है। सूरज कुमार दिख रहा है, ठीक है, अच्छी बात है सूरज जी, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो मैं इसको अब इरेज करूंगा, हो गया है। आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी से, दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। सूत्र हम नहीं मिटाएंगे, लेकिन सूत्र मैंने थोड़ा गलत जगह लिखा इसलिए मिटा देता हूँ, क्योंकि प्रश्न को उतारने के बाद में आपको लिखना होता दिया है ये चीज, जो है क्वेश्चन के नीचे लिखा करो तब सूत्र लगाया करो, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ना। अच्छा एक बात बताओ, कैसे कितने लोग एनसीईआरटी की किताब लिए हैं? बोलो हाँ, जो एनसीईआरटी बुक लिया है जल्दी से बता दे कि हाँ हम लिए। सीबीएसई बोर्ड के जितने भी बच्चे होंगे उनके में तो पक्का सवाल सभी मैच कर रहा है, क्योंकि उनकी एक एक किताब होती है एनसीईआरटी। जो यूपी और बिहार बोर्ड के होते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रणाली, इनमें अलग अलग किताब होती है, कोनो दूसरा प्रकाशन लिया है, कोनो दूसरा लिया, कोनो दूसरा लिया है, तो उनमें क्या होता है क्वेश्चन आगे पीछे हो जाता, चैप्टर आगे पीछे हो जाता है। बबीता वर्मा, नित्या सिंह, ठीक है, सभी का कमेंट आ रहा है। सेकंड पार्ट देखो बाबू ध्यान से, माइनस का 37, माइनस का 33 और माइनस का 29, यानी हमें पता ये चार चार क्या है, बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग कहेंगे है बढ़ कहाँ रहा, घट रहा है। देखो बच्चा, माइनस में संख्या जितनी बड़ी होगी उसका मान उतना छोटा होता है, यानी एक प्रकार ऐसे समझ लो किसी के ऊपर जितना कर्जा होता है ना वो उतना ही गरीब माना जाता है। कैमरा थोड़ा सा चार्ज में लगा दें, एक मिनट रुके रहो आप लोग, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कैमरा थोड़ा सा मैं चार्जिंग में लगा रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ भाई। हाँ तो लग गया, अभी नहीं चला, चलाना भी पड़ेगा, चल गया। चलो देखो समझिए, इधर साइड में देखिए। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हम, बहुत सुंदर पढ़ाते हैं, बस आपको देखना है। हाँ ये लो मैं ले लिया। 12 पदों तक योग ज्ञात करना है, देखो कहाँ तक, 12 पदों तक। कितना आसान है, बहुत आसान, आसान है ना। इसमें सबसे पहले हमें लिखना है दिया है, क्या क्या दिया है, ए दिया है पहला पद माइनस 37 दिया है, फिर डी दिया है बच्चा कितना, देखो माइनस 29। इसमें से हम क्या करेंगे, अगला वाला पद को घटाते हैं, ये माइनस का 33, तो हमें क्या मिलता है, सर्वांतर मिलता है। ये माइनस 29 और प्लस 33, घटा लो बच्चा चार आएगा, कितना आएगा 4, यानी हमारा जो सर्वांतर है क्या है 4। इसमें जो यनवा पद दिया है 12, मतलब लास्ट पद जो है ना। बबीता पहली बार गुरु आपकी लाइव क्लास ले रही हूँ, बहुत ही अच्छा आप पढ़ा रहे हो बबीता जी। ये क्लास हमारी कोशिश होती है कि प्रत्येक दिन दोपहर 2 बजे से लाइव हो। इसके और पिछले पार्ट सभी चैनल पे पड़े हैं वीडियो, आप उन्हें देख सकती हैं। सारे वीडियो में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया, चैप्टर 5 तक खत्म हो गया, ये लास्ट चैप्टर मतलब एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट, आज ये एक्सरसाइज खत्म, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, ये तो दिया है मैंने लिख लिया, अब इसमें हम सूत्र लगाएंगे, कौन सा,
एक ही सूत्र है योगफल वाला, इसको हम थोड़ा बगल में लिख लें तो हमारे लिए जगह थोड़ा अच्छी से बच जाएगी, कि इसको हम एक लाइन में लिख लेते हैं जिससे थोड़ा जगह बचे और हम आपको दिखा सकें एक बार में। थोड़ा लाइट ज्यादा है, चमक ज्यादा रहा है क्या स्क्रीन पे? थोड़ा चमक ज्यादा है तो बता देना, अगर ज्यादा चमक रहा होगा तो थोड़ा कम कर देंगे। सूत्र लगाइए, यस एन बराबर एन अपान टू, बहुत ही आसान सूत्र है, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू, ये क्या है इसका फार्मूला है। ठीक है बच्चा, थोड़ा सा लाइट में कम कर देता हूँ, चलो ठीक है। इतना ठीक है, अब इसमें यन की जगह पे 12 रखोगे भैया, यन की जगह पे 12 रखोगे तो जाएगा 12 बटा 2, क्यों हो जाएगा 2 गुणा ए। ए का मान कितना है सभी बच्चे बताओ जल्दी से, ए का मान दिया है माइनस का 37 और प्लस यन, यन की जगह पे 12 माइनस 1 इंटू टी, डी का मान दिया 4। अब देखिए को काटोगे तो 6 आएगा, 6 इनको आपस में गुणा करो अगर तो आप देखो आपको मिलेगा 2 × 7 = 14 हासिल 1, 2 × 6 = 7 माइनस का 74 आएगा, कितना आएगा माइनस का 37। और बच्चा ये क्या हो जाएगा बाबू, घटाओगे तो 11 आएगा, 12 × 1 = 11, 11 × 4 में गुणा करोगे 44। इतना देखो सबको समझ में आया, आसान है ना। यहाँ पे क्या लिखोगे, यस 12, ये हमें 12वां पद तक योगफल निकालना है। बहुत अच्छे भाई, क्या नाम है इनका, अंकित कुमार और विशाल, ठीक है विशाल जी, वेरी गुड। अब इनको हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए ये प्लस और माइनस हट जाएगा, 74 से जब 44 घटाओगे तो कितना आएगा, 30 आएगा ना, अंदर में क्या आएगा 30, वो भी माइनस में आएगा। यहाँ ध्यान देना, यस 12 बराबर माइनस का 30 और इसमें 6 से गुणा कर दोगे तो माइनस का 180 आएगा, यानी यही क्या है हमारा आंसर है। कितना आसान है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, जितने भी हमारे प्यारे प्यारे साथी जुड़े हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें, सभी जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं वो क्लास को लाइक करके दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी आगे भी चलना है। इस समय बच्चे ज्यादा नहीं आ रहे क्योंकि क्लास थोड़ा दिन बंद हो गई थी तो बच्चों को पता नहीं है इस वजह से। सभी जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं वो क्लास जैसे ही क्वेश्चन पूरा हो स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। स्क्रीनशॉट लेना जानते हो ना, लिख लेना बाद में आराम से, और नोट्स बनाना अच्छे से, ईमानदारी से पढ़ना। पूरी गणित YouTube पे हम फ्री में पढ़ाएं, आप बिल्कुल पढ़ सकते हो बिना एक पैसा खर्चा किए, स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा हमारे लिए, वो क्या है पता है, क्लास को रोज लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना, ये आपकी जिम्मेदारी। अगर इससे भागते हो तो फिर गड़बड़। चलिए अगला पार्ट पे चलते हैं, मस्त दिख रहा है, सब कुछ बेहतर है। चलो ठीक है, मस्त है। इसका थर्ड पार्ट आप लोग कर लोगे, अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो बता देना मुझे, कर लोगे ना भैया? माइनस का 6, नहीं नहीं 0.6 है, अरे वही ये गुणा हो रहा है, वो लग रहा है 7.7, 2.8, डॉट 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 का कह रहा है 100 पदों तक, कितना तक, 100 पदों तक। अच्छा 10 की जो लाइव क्लास होती है वो डेली दोपहर 2 बजे से हो, क्लास का टाइम डेली दोपहर 2 बजे से। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप PBR स्टडी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जिससे कि आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर है
सेकंड एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10th, थोड़ा सा ब्लर है क्या? अभी मैं सही कर देता हूँ, थोड़ा आप देखिए चमक कम हो गई होगी नॉर्मली ना। हाँ अच्छा चल रहा ना भैया, चलिए ठीक है। देखिए आप समझिए, बताना अगर कुछ ज्यादा दिक्कत होगी तो बता देना, बिल्कुल भी लाइट मैंने कम कर दिया है। देखिए बच्चों, इसमें जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें क्या कह रहा है, कह रहा कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। आपको सम्स फाइंड करना है इस सीरीज का, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, यानी समांतर श्रेणी दी गई है, आपको इनका योगफल ज्ञात करना। बच्चा बहुत ही आसान है बाबू ये, इसका फर्स्ट पार्ट है 7 + 10 × 1/2 और प्लस इसमें किया गया 14 और प्लस डॉट 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 ये प्लस 84 तक है। देखिए कितना आसान है ये, समझने की भरपूर कोशिश करिए, ठीक है, समझने की पूरी कोशिश करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए बच्चों लोग, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं जो बताना चाहता हूँ उसे समझना। इसमें आप देखो ये एक सीरीज दी गई है, जैसे आपको कोई श्रेणी दी जाए उनको जोड़ा जाए, तो ये आपस में बीच में प्लस का साइन लगा दिया, बाकी ये क्या है, एक समांतर श्रेणी, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको दिया गया, जिसका पहला पद 7 से शुरू होता है और लास्ट वाला पद 84 दिया गया है। समझिए आप यहाँ पे लिखोगे भैया, सबसे पहले दिया है, क्या लिखोगे, दिया है, जिसमें पहला पद दिया है ए, जिसे बोलते हैं प्रथम पद, सी दिया है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बच्चा कैसे निकालते हैं, तुम सबको पता है, इसको आप भिन्न में बदलोगे तो 10 × 20 एक 21/2 हो जाएगा, ये निकलेगा बेटा तो 21/2 − 7 ऐसे निकलेगा ना, इसे हल कर लोगे 21 − 14/2 बराबर ये हो जाएगा कितना भाई, इसमें से घटेगा 6 × 7 आएगा और 7/2, समझ में आ रहा है ना। टीपू ऑफिशियल बेटा, पढ़ाई कर लो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं है यहाँ पर काम, सिर्फ पढ़ाई कर लो बस। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं, सब कुछ मस्त दिख रहा है, एकदम बेहतर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, चलिए ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड। अब क्या करेंगे बच्चों, जरा ध्यान दीजिए, ये हमें डी निकल गया, आ गया ए का मान आ गया, इसमें ए एन का भी वैल्यू दिया है, ए एन बराबर दिया 84। अब हमें एक छोटा सा सूत्र लगाना है और हमारे सामने एन का मान आ जाएगा, जब हमें एन का मान मिल जाएगा तो हम यस एन बराबर एन अपान टू 2a + n − 1 × d या फिर इसका दूसरा वाला योग वाला सूत्र लगा करके हल कर लेंगे, ठीक है। देखिए अब क्या करोगे बच्चा, इसमें ये सूत्र लगाओगे एन का मान निकालने के लिए, भरपूर कोशिश करोगे, का मान 84 दिया है एन का, ए का मान बेटा 7 दिया है, एन का मान हमें नहीं पता है और टी का मान जो है वो दिया है 7/2। बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड, सभी कर लेंगे, किसी का कोई डाउट कोई सवाल तो बताओ। चलो अब ये हो जाएगा आपका 84, 7 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि उधर साइड जो है दाहिनी साइड क्या है, प्लस में है, ये n माइनस 1 ऐसे का ऐसे ही उतार लिया जाएगा, इनटू 7/2 ऐसे लिख लीजिए, आपको समझ में आए, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम भले लग जाए लेकिन आपको आना चाहिए। अब देखिए इसको इसमें से जब घटाएंगे तो भैया 77 आएगा, और ये बच्चा इधर गुणा में है 7/2, अगर इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, कहने का ये मतलब है जब इसे फिर से हम गुणा में लाएंगे तो ये पलट जाएगा,
ये इतना जानते हो क्योंकि आप बेसिक पढ़े हो। अगर आपको बेसिक नहीं आता है कि ये कैसे हो गया, तो आप हमारे यहाँ बेसिक मैथ पढ़िए, जीरो लेवल पढ़िए। अब ये कट गया तो ये कितना हो गया, 22। 22 बराबर n माइनस 1, हम कह सकते हैं कि n बराबर 23। बोलिए इतना समझ में आया, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। भाई गोविंद शुक्ला जी नीचे नंबर चल रहा है, आप वहाँ पे इंक्वायरी करिए। वैसे तो मैं आपको एक बार में बता दूं, तो आप PBR स्टडी ऐप डाउनलोड करिए, जाके वहाँ से देख लीजिए, जो भी आपको चाहिए ले लीजिए, सब सब है उपलब्ध, फ्री भी है, पेड भी है, सब। इसको करिए, हो गया, यन का मान आ गया, सारे मान आ गए हैं। अब हमें योगफल का सूत्र लगाना है, सिंपल सा छोटा वाला, और मान आ जाएगा। चलिए हो गया, उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, तो मैं इसको अभी रेज कर देता हूँ, ठीक है। ध्यान रहे, ये क्लास सभी बोर्ड के सभी प्रकार के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये NCERT पैटर्न है, ये NCERT जो है ना, ये सबके लिए। मैंने इम्पोर्टेंट पार्ट तो मिटा दिया है, लेकिन फिर से हमें अभी लिखना पड़ेगा। अब हमें योग वाला सूत्र लगाना है, क्या करना है, योग वाला सूत्र लगाना है। देखो बच्चा, जो जो दिया गया था मैंने कुछ चीजें मिटा दिया, उसे मुझे फिर से लिखना पड़ेगा। जैसे पहला पद ए बराबर आपका 7 दिया था, डी का मान मैंने निकाला था 7/2, एन का मान अभी अभी आया था 23 आया था, बाकी तो मुझे लग रहा सब है, एन का मान 84 दिया था, ये इतना आपको दिया गया था। अब हम लिखेंगे, अतः श्रेणी का योगफल बराबर, योगफल बराबर क्या होता है, यस एन होता है ना, ये यस एन बराबर एन बटा दो एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है। अरे ये तो दूसरा है यार, इसमें ए प्लस एल हो जाता है, बस क्या हो जाता है, ए प्लस एल। ये छोटा वाला सूत्र ना, हमें इतने में ही काम हो जाएगा, तो हम काहे को फालतू फैलाएं लंबा। हाँ, एक बड़ा वाला सूत्र होता है, एस एन बराबर एन अपॉन टू, टू ए होता नहीं उसमें, ए माई एन माइनस वन इंटू डी, वो नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे छोटे में ही काम हो जा रहा है। तो यस एन की जगह पे हम क्या रखेंगे भैया, एन का मान आया है 23, 23 आया ना, और एन का मान फिर हर जगह 23 रखोगे, ये हो जाएगा ए, ए का मान 7 प्लस एल, एल का मतलब क्या है, एल का मतलब वही जो लास्ट पद दिया गया था, 84 दिया था ना, कितना दिया था 84। आप देखो अगर यहाँ पर, तो हमें यस 23 का मान निकालना है, क्योंकि हमें इनका क्या करना है, योगफल निकालना है, निकालना है ना। चलिए ये हो जाएगा बच्चा आपका 23/2, और ये हो जाएगा 91। आप इन्हें हल कर लोगे, हल करना आप सभी जानते हो, इतने छोटे बच्चे हो नहीं, गुणा कर लो, 1046.5 आएगा, समथिंग कितना आएगा, 1046.5, ये 2093 लगभग आएगा। अब ये मत कहना कैसे आया, तुम्हें जोड़ घटाना गुणा भाग तो आना चाहिए, तो आना चाहिए ना, तो 1046 समथिंग आएगा, हाँ 1046.5 ये इसका मान आ गया। समझ में आया, लिख लीजिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी करिए, देखिए टाइम नहीं लगाइए बिल्कुल भी, फर्स्ट पार्ट आपका हो चुका बच्चा, लाइट जो है काफ़ी डिस्टर्ब चल रही है, पर अच्छा चमक है, नीचे कम है, उधर का लाइट बंद करना पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है, क्यों ऐसा ही कुछ है ना, वो लाइट बंद कर दीजिए, ओके। चलिए देखिए, ठीक है, ऊपर से थोड़ा ज़्यादा चमक रहा था ना, नॉर्मल हो गया ना, अब लिख लीजिए इतना। दीपू बेटा अगर तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ लो, और यहाँ पे हम बकता ही तो नहीं कर पाएंगे, नहीं क्योंकि ये क्लास भी तो आगे चलना है ना लेकर के। सेकंड पार्ट देखिए बहुत जल्दी, फटाफट फास्ट, चलिए आइए सेकंड पार्ट की तरफ।
बहुत तेजी के साथ आगे बढ़िए, फिर से ब्लर कर रहा है का, यही मुझे लग रहा है कुछ जूम वूम कर लेता है भाई, मुझे देख नहीं पा रहे हो का, काय जूम कर लेते हो। चलिए ठीक है, आप समझिएगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा, इसका अगला पार्ट जो है वो कैसा है, 34+32 पार्ट है, 34+32+30+10। ये आपको दिया गया अगले पार्ट में, जरा ध्यान देना इसे। इसमें जो जो दिया गया पहले आप लिख लोगे, जैसे ए का मान 34 दिया है, इसमें डी का मान बच्चा उल्टा घटाओगे, माइनस का 2 आएगा, घटा के देख लो ये ऐसे करोगे। ए एन दिया है आपको, 10 दिया है, लास्ट वाला जो भी है, यहाँ से आप पहले यन का मान निकालोगे, ठीक है, यन का मान निकाल करके मान रख दोगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं एक एक करवा देता हूँ, पहले यन का मान फिर योगफल वाला बाद में। तो बच्चा ये सूत्र लगा लो बाबू, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान 10 है, ए का मान 34 है, एन का मान नहीं पता है, डी का मान माइनस का 3 है, 3 नहीं है 2 है। लिखते चलिए फटाफट, कोई भी डाउट है तो बता दो, ठीक है बच्चा। चलो अब ये 10 ऐसे ही रहेगा, उधर से 34 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू माइनस का 2, इसको घटाओगे तो क्या आएगा बच्चा, ये माइनस का 24 आएगा, तो इधर से भाग में आएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये कट जाएगा, 12 बराबर एन माइनस 1 आएगा, आप कह सकते हो कि एन का मान 13 आएगा, क्योंकि जो एन माइनस 1 है ये 1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। इसको लिख लीजिए, हम यहाँ कह सकते हैं कि एन का मान 13 दिया है, क्या दिया है, 13 दिया है। इतना कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी करिए, फास्ट करिए फटाफट। हाँ इतना लिख लिए, चलिए मैं इसको मिटाता हूँ। अब देखो बच्चा ये सारे मान दिए गए हैं, इसी पर हम सूत्र लगा देंगे योग वाला, और इसी में हम कर ले जाएंगे। चलो ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ओके ठीक है। अब क्या करना, जरा ध्यान देना, इसका जो थर्ड पार्ट है वो कहता है माइनस का 5 प्लस, अरे भाई थर्ड पार्ट नहीं, अभी इसका योगफल निकालो। यस एन बराबर एन अपॉन 2 और ए प्लस एन लगा करके, ठीक है चलो। यस एन, एन का मतलब हमें 13वां निकालना है, एन की जगह पर 13, ए की जगह पर 34 और यल ये 10 दिया था ना। चलिए जल्दी जल्दी से इतना करते चलिए, ये हो जाएगा आपका 13/2, ये हो जाएगा 44, ये काट दो 22 आएगा, 22 का तुम 13 में गुणा कर लोगे, 13 दूना 26 2 28, यानी यस 13 बराबर कितना आएगा, 286, ये आपका आंसर हो गया। आपको समझ में आया ना, प्रियांशु बच्चा पढ़ाई कर लो बस, मिस्टर प्रांशु और दीपू कमेंट आ रहा सबका, सबका आ रहा, मैं सामने से हट गया हूँ, लिख लो। लिखिए हो गया, आगे बढ़े। चलिए किसी का कोई सवाल है तो फटाफट बताओ आप लोग, जल्दी जल्दी से, और क्लास को लाइक जरूर करो भाई, ऐसे मजा नहीं आ रही देखो एकदम बिल्कुल भी। ये आपका सेकंड पार्ट भी हो गया, थर्ड पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान देना। अब हमें दाहिनी साइड लिखना, ये काहे को डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, क्या चाहता है, लिखो माइनस का 5 का पार्ट, लिखो माइनस का 5
प्लस माइनस का 8, माइनस का 11 और प्लस डॉट 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 माइनस के आगे भी प्लस का साइन। अब देखो यहाँ से समझो बच्चा, इसमें क्या क्या दिया है। ए बराबर दिया माइनस 5, बी बराबर आप निकालोगे जब माइनस 8 से, हाँ माइनस 8 से जब घटाओगे माइनस का 5, तो आपको पता है ये माइनस का 8 प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस का 3 आएगा। बी का मान माइनस का 3, ए एन का मान आएगा माइनस का 230। बस ये सब दिया है, फिर करना क्या है भाई। सूत्र लगा दो फटाफट लंबा वाला। चलो देखो एन का मान निकाल लेते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का वैल्यू दिया है बच्चा, दिया है का, हाँ दिया है 230 दिया है, वो भी माइनस में दिया है। पल ए का मान माइनस का 5 दिया है, एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान दिया माइनस का 3, ये माइनस का 230, ध्यान देना माइनस का 230 और ये माइनस का 5, ये इधर साइड में आ जाएगा। मुझे लग रहा है माइनस हो जाएगा कि प्लस, करके देखो फटाफट ना, ठीक है भाई। इधर माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, ये एन माइनस 1, ये देखो बच्चा गुणा में है, इधर आएगा नीचे, ये भाग में हो जाएगा। इसको देखो ये घटेगा माइनस का 225 के माइनस का 3 बराबर एन माइनस 1, इसे काटो तो 3 सते 21, 3 पचे 15, यानी इधर क्या आया माइनस का 75 नहीं आया, प्लस का आया, क्योंकि नीचे भी माइनस था ऊपर भी माइनस था, प्लस हो गया। फाइनल में हम कह सकते हैं कि 75 इक्वल एन माइनस 1, एन बराबर 76, इतना 76, सबको समझ में आया, इतना लिख लीजिए। इतना लिखने के बाद आगे बढ़ोगे और बच्चा योग वाला सूत्र लगा लो, बस हो गया, गुरु का आशीर्वाद। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। चलिए इतना लिख लीजिए। हाँ एक बात आपको बता दें, आपकी जो क्लास है 1 अक्टूबर से PVR स्टडी 3.0 चैनल पे चलेगी, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल का नाम याद रखें, PVR स्टडी 3.0 चैनल पे 1 अक्टूबर से क्लास चलेगी। क्लास का टाइम वही रहेगा जो है, तो याद रखना सभी बच्चे, क्योंकि इस चैनल पे ज़्यादा क्लासें हो जाती तो YouTube नोटिफिकेशन नहीं देता है। ठीक है, एन का मान 76 आया है, याद रखना। अब हम लगाएंगे योगफल वाला सूत्र सारणी का और फटाफट क्लियर आंसर आ जाएगा। तो सभी बच्चे याद रखना, 1 अक्टूबर से आपकी 9th-10th की क्लास आपके स्पेशल चैनल PVR स्टडी 3.0 पर चलेगी। ठीक है, ये नाम है PVR स्टडी 3.0, ऐसे लिख के सर्च कर लेना, मिल जाएगा YouTube पर भी। चलो बच्चा आप देखो समझो, यहाँ पर एन का मान भी आ गया 76। अब हम योगफल का सूत्र लगाएंगे, यस एन इक्वल एन अपान 2 और ए प्लस एल, यस एन, एन का मतलब हमें मान निकालना है, किसका किसका निकालना है भाई, 76 का निकालना है ना। एन 76 हर जगह रख दोगे, ए का मान माइनस का 5 प्लस यल, यल मतलब लास्ट वाला पद दिया था माइनस का 230। ये यहाँ से आप बड़ा कोष्ठक लगा लो या मझला, ये 76/2 आप 2 से काट लो, 38 आएगा और ये गुणा हो जाएगा माइनस प्लस, दोनों माइनस हो जाएगा 235। यानी यह 76 का मान जो आएगा वो इन दोनों का गुणा करके आएगा, 38 और 235 का गुणा कर लो, फटाफट कर लो भैया, माइनस का 89/30 आएगा आंसर। हो गया ना फाइनल। अब किसी को जोड़ना घटाना गुणा भाग नहीं आता तो ये उसकी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है बच्चा। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप बताइए कमेंट कर, संकोच बताइए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। एक AP में क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है
एक एपी में, एपी का मतलब वही समांतर श्रेणी जिसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, पहला इसमें कई पार्ट हैं, मतलब आपको एक ही क्वेश्चन में कई पार्ट दिया है, ए इक्वल फाइव, बी इक्वल थ्री, ए थ्री इक्वल पचास, और यन और यस यन ज्ञात करना है। तो क्या क्या करना है ध्यान देना, कह रहा है यन और यस यन ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करो, मैं लिख देता हूँ, थोड़ा छोटा रहेगा। देखिए प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए, बहुत आसान प्रश्न है ये, बहुत मजेदार है, बहुत सुंदर सा है, प्यारा सा है, क्यूट सा है, बहुत आसान है। अब तक जो समांतर श्रेणी का आपको मैंने सूत्र बताया था योगफल वाला, और एक छोटा सा उसके पहले, वही दोनों सूत्र का प्रयोग करके आप इसमें के सारे प्रश्न कर सकते हो। हमारे साथ सदानंद तिवारी जी जुड़ चुके हैं, बेदू जादौन, के एम गेमिंग, अंकित इंडियन गेमर, और सचिन यादव, हिम प्रताप सिंह, अंकित, अमित दुबे और तहलका 1155, ये नाम है इनका, शर्माना नहीं, तहलका 1155 इनका नाम है। ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं हमारे, जोगिंदर, प्रीति सिंह, शालिनी मिश्रा, सभी का बहुत बहुत वेलकम पीवीआर स्टडी। आइए आइए जल्दी आइए, हमें यन निकालना है। तो भैया बाबू देखो सब कुछ तो दिया है, हाँ लूट लो, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका मास्टर सूत्र होता है इस चैप्टर का। तो बच्चा ए एन, आप देखो एन का मान हमें फाइंड करना है, लेकिन हमें ए थ्री का मान दिया है, और यहाँ से ध्यान दो, ए थ्री का मान दिया है, यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि हमें जो ए एन है इसका मान 50 दिया, इसका मतलब हाँ ठीक है, ये क्या है, ये 50 दिया है। आप यहाँ इसे ए एन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ए का मान 5 दिया है, प्लस एन का मान हमें पता है नहीं, डी का मान 3 है, रख दीजिए 50, इधर से 5 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल एन माइनस 1 इंटू 3, घटाओगे 45 आएगा, ये दोनों इधर का 3 इधर आएगा, भाग में हो जाएगा एन माइनस 1, बेटा देखो ये कट जाएगा 15 आएगा, हाँ तो ये आपका 15 बराबर एन माइनस 1, आपको पता होना चाहिए, इतना आप जानते हो, मैं यहाँ थोड़ा जगह करके बगल में कर देता हूँ, जब माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यानी एन का मान 16 आ जाएगा। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ क्या आपको समझ में आया, जल्दी से, हमारे जितने भी प्यारे प्यारे साथी जुड़े हैं तुरंत कमेंट करके बताएं, और अगर वो चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूल, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ और क्लास को लाइक करना, बस थोड़ा सा ही काम तो है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ब्रजेश राजपूत जी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे, साक्षी पटेल, तो यन का मान हो गया, यस यन पूछा था, तो चलो फिर इधर साइड में लगे हाथ दूसरा भी निकाल देते हैं, यस एन निकालना है, इसका सूत्र होता है एन अपान टू, और आपने पढ़ा होगा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हाँ ये आपने पढ़ा है, और इसमें वैसे छोटा सूत्र लगा के भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम छोटा सूत्र ना लगाएंगे। चलो एन का मान अभी अभी कितना आया, 16 आया है, यस एन ज्ञात करना था कह रहा था ना, ठीक है नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, मतलब वही योगफल निकालना है, एन का मान क्या है, यहाँ पे 16 रख दो, एन की जगह पे 16 आया अभी अभी निकाला, टू इंटू ए, ए का वैल्यू 5 दिया बच्चा, कितना दिया है 5, एन का मान 16 निकाला है, डी का मान दिया था कितना 3, हल कर दीजिए, ये कट जाएगा 8 हो जाएगा, क्यों भाई कुछ मिस्टेक हो गया का, पता है कौनों मिस्टेक नहीं हुआ, सब मस्त है, ये कट गया 8 आ गया, ऐसे काट लो, और अंदर में देखो ये 2 5 10 हो जाएगा, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, इसे मत भूलना लगाना, नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और धन समझिए 16 में से एक घटाएंगे 15 आएगा, हाँ भाई इस प्लस के बाद में, और 15 का 3 में गुणा करोगे बाबू तो 15 3 45 आएगा,
कितना आएगा 45। इस तरह से आपका ये कितना हो गया 8 गुणा 55, क्योंकि ये 10 जुड़ जाएगा 55 हो जाएगा। फाइनल में 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 44 ये आंसर हो गया। यानी आपका जो यसियन है वो कितना आया 440। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका प्रश्न पूरा हो चुका है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करिए, हम बताएंगे। इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए। चलिए मैं हट जाता हूँ, सामने से स्क्रीनशॉट लीजिए, मेरा भी आना चाहिए थोड़ा सा। हो गया, इसके और भी कई पार्ट हैं। आप लोग ये बताओ दूसरा कर लोगे कि नहीं। हेम प्रताप सिंह, हेम प्रताप, देखो बाबू एक बार दूसरा क्वेश्चन देखोगे आ जाएगा। हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखोगे आ जाएगा। नहीं मैं बता देता हूँ, सुन लो एक बार फिर से बता देता हूँ, जिनको नहीं समझ में आया थोड़ा सा दिमाग लगाना इसमें। कह रहा कि यदि एक एपी में ए बराबर 3 दिया है, डी बराबर 3 दिया है, सॉरी ए बराबर 5 दिया, डी बराबर 3 दिया है, ए एन बराबर 50 दिया है, तो एन और यस एन ज्ञात करना है। यानी हमें एन निकालना है, कुल मिला के पदों की संख्या कितनी होगी, हाँ, और योगफल निकालना है। तो हम ये पहले मास्टर सूत्र लगाएंगे जो कि हर जगह लगता है आपका समांतर श्रेणी में। यहाँ से आप देखो ए एन का मान दिया था, ये चाहे वो ए थ्री का है, ये 50 का है, किसी का भी मान दिया है तो वो ए एन का मान माना जाता है, 50 दिया है। ए का मान 5 दिया था, टी का मान 3 दिया था, और क्या एन का मान कुछ नहीं दिया था, मुझे निकालना था। तो कैलकुलेशन करना तो जानते हो, मैं क्या बताऊँ, आगे हल करके 16 आ गया। उसके बाद यहाँ पर यस एन के लिए ये सूत्र लगाया, सारे मान रख दिए, हल कर लिया। अब कैलकुलेशन करना तो आपको आना चाहिए ना भैया, हरिकेश कुमार, कैलकुलेशन तो आना चाहिए ना बाबू। अब अगर कैलकुलेशन नहीं आता है तो आप पीबीआर स्टडी का जीरो लेवल वाला मैथ देखिए। जीरो लेवल में रात 9 बजे से सिखाया जाता है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको मिलेगा। कक्षा 10 वालों की क्लास कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि दोपहर में कहीं कहीं जाना पड़ जाता है, कभी तो हो जाता डिस्टर्ब। लेकिन हाँ, अब हमारी भरपूर कोशिश रहेगी कि नहीं डिस्टर्ब होगी ना, बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब होनी चाहिए। इसका सेकंड पार्ट कौन कौन कर लेगा, सेकंड पार्ट कौन कौन कर लेगा भैया? ए बराबर 7 दिया है और ए 13 बराबर 35 दिया है, तो डी और यस 13 ज्ञात करें। देखिए ये भी आसान है, इसमें थोड़ा सा समझना है। इसमें हमें यन का मान दिया है, इसमें हमें यन का मान दिया है, कहाँ दिया है, ये 13 में एन का मान 13 दिया है। उस क्वेश्चन में आप कहोगे फिर गुरुजी वहां भी तो ये 3 दिया था, हाँ वहां नहीं दिया था क्योंकि वो पूछा था क्वेश्चन में, इसलिए मैंने निकाला था। चलो तो यहाँ पर क्या है, देखिए दिया है, लिख लीजिए दिया है, मैं तो सब कुछ दिया ही है। यहाँ एक और लिख लो, एन का मान 13 दिया है। ये सूत्र लगाइए आपका, मास्टर सूत्र जो भी आप लगाते आए हो, हाँ मास्टर सूत्र लगा दो जो लगाते आए हो। चलो यहाँ से बराबर करें, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं, सब मस्त है। ए एन का मान देखो भैया 35 दिया बाबू, ए का मान 7 दिया है, धन एन, एन का मान 13 दिया है, माइनस 1 इंटू डी, डी का मान नहीं दिया है, डी का मान निकालना है। 35 माइनस 7, क्योंकि ये 7 इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। अब ये 13 में से एक जाएगा तो 12 आएगा, डी में गुणा करोगे तो ये 12 डी हो, ठीक है, ये घटाओगे तो 28 हो जाएगा बराबर 12 डी। देखो बाबू यहाँ से डी का मान निकालोगे जब तुम, तो क्या होगा पता है, डी बराबर 28/12। किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब D को इधर अकेला छोड़ देंगे, 12 को इधर लाएंगे तो इसके नीचे भाग में हो जाएगा,
चाहे तो 28/12 लिखो, चाहे तो डी बराबर 28/12 लिखो, चाहे 28/12 बराबर डी लिखो, इधर का उधर से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, एम प्रताप सिंह बच्चा हमारे समझ से तो केवल कोरोना के लिए हटा था, परमानेंट नहीं हटा था सिलेबस। ठीक है, कोरोना टाइम में हटा था ना, वो हर समय के लिए थोड़ी हटा है। अब इनको काटो, कितना से कटेंगे, 4 × 7 = 28, 4 × 3 = 12, यानी डी की वैल्यू आपको 7/3 मिल गई। कितने मिल गई, 7/3। इसको कर लीजिए जल्दी से। जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मैं बार बार बोलता हूँ, जिससे कि वो बिल्कुल फ्री लाइव क्लास यूट्यूब पे पढ़ पाए। ठीक है ना बाबू, ठीक है ना राजा। चलो यस 13 ज्ञात करना था, चलो यस 13 पे आ जाए, इसको लिख लीजिए आप लोग, ये फार्मूला लगाओ, 10/2। देखो इसमें एक छोटा सा सूत्र लगा के भी निकाल सकते हो, नन्ना वाला, एक होता नहीं a+l वाला, a+l। चलो तो यस 13 निकालना, यहाँ पे 13 रखो, n का मान 13 रखो, a का मान 7, l का मान 35, l का मान 35, चूंकि देखो यह दिया था ना लास्ट पद, 13 पद यहीं तक था, ये आपका हो जाएगा 13/2, 35 × 5 = 40, 2 = 42, काट दोगे 21 आएगा, 13 × 21 में गुणा कर लो, 13 × 13 = 26, 1 = 27, 273 आएगा, कितना आएगा 273। तो भाई साहब इसको ऐसे लिख सकते हो बाबू, यस 13 इक्वल कितना 273। इस तरह से बच्चा आपका दो पार्ट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का, कितना पार्ट हो चुका, दो पार्ट हो चुका है। ये बताओ जल्दी से एक बार कमेंट करके, सबको समझ में आया, अच्छा लग रहा, मजा आ रही ना, सबको समझ में आया ना भैया, आया ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं ना, बता दो कोई दिक्कत हो तो, बिल्कुल बता दो। चलो आगे बढ़े, चलिए आप समझ के चलना कि आपके दो पार्ट हो गए। दिलीप निनामा, दिलीप निनामा बच्चा तुम अपना गलत नाम लिखे हो या तुम्हारा नाम है ऐसे, रोज क्लास में आओ दोपहर 2 बजे, इस समय टाइम है, चैनल सब्सक्राइब करके रखो, और हाँ नीचे एक नंबर जो चल रहा है ना उस पे व्हाट्सएप पे आप लिख के भेज दो कि मुझे 10th का ग्रुप ज्वाइन करना है, सिर्फ इतना लिखना कि मुझे 10th का ग्रुप ज्वाइन करना है, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगी और ज्वाइन कर लेना, तो उसमें आपको क्लास की लिंक भेजी जाती है। ठीक है, हेम प्रताप जी लिख रहे हैं कि हमारे स्कूल में इतना अच्छा नहीं पढ़ाया जाता है, भाई हेम प्रताप जी हर कोई अच्छा पढ़ाता है, आप उसे समझने की कोशिश करो तब ना, कोई भी टीचर गलत नहीं पढ़ाता, गंदा नहीं पढ़ाता, सब अच्छे पढ़ाते हैं, बस आप समझ नहीं पाते हो किसी का, किसी का समझ जाते हो। आर्ट भी था देश, वासुदेव, ठीक है वासुदेव जी, वेरी गुड। चलिए तो ये आपके दो पार्ट हो चुके हैं, तीसरा पार्ट मैं करवाऊं या ना करवाऊं, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो होता नहीं है क्लास के लिए, क्योंकि बच्चे कम रहते हैं इसलिए क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं चलती है। तीसरा पार्ट देखो, में a12 दिया है बाबू, 37 दिया है a12, d = 3 दिया है, तो a और s12 ज्ञात कीजिए, a और s12 ज्ञात कीजिए। चलिए समझिए और करिए, नहीं पैसे नहीं लगता है, पैसे वाला तुम लोग करते कहाँ, फ्री चलता है यूट्यूब पे, लेकिन पैसे के बदले आपको क्लास को लाइक करना है और दोस्तों में और अपने फेसबुक व्हाट्सएप पे हर जगह शेयर करना है, अगर आप इतना करोगे तो कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री चलता है। लेकिन इसमें से अगर कुछ भी काम नहीं करोगे, बहुत आसान सा काम है, तो फिर हो सकता है कि आपको क्लास ना मिले, फिर भी पैसे नहीं लगेगा, हाँ तो ठीक है।
हरकेश जी 1 घंटा पढ़ाएंगे, लेकिन आप उसके लिए बच्चे जोड़ोगे तब ना बाबू, बच्चे जोड़ोगे तब, बच्चे जुड़ेंगे तब। राजू कुमार 9th का चलता है, 9th का कब चलता है पता है तुम्हें? 7:30 बजे मैथ, अच्छा 9 का 7:30 बजे। इसको कर लोगे कि नहीं पहले ये बताओ, कितने बच्चे कर लेंगे, कितने बच्चे कर लेंगे? कक्षा 12 का मैथ हमारी कोशिश है 1 अक्टूबर से चलेगा, कक्षा 11-12 1 अक्टूबर से, बहुत कोशिश कर रहा हूँ मैं, बस जल्दी ही। ए और यश 12 ज्ञात करना है, ए और यश 12 ज्ञात करना है। बचवा इसमें यन का मान भी दिया है 12, यन का मान 12 दिया है, सूत्र लगा दो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ए एन का मान देखो 37 दिया है, ए का मान नहीं पता है, एन का मान 12 दिया है, माइनस 1 इंटू टी का मान 3 दिया है, कितना दिया है 3 दिया है, हल कर लो 37। और ये देखो बच्चा 12 से 1 घटेगा 11 आएगा, 11 में से जब 3 में गुणा करोगे तो 33 हो जाएगा, ये प्लस में रहेगा इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 4 बराबर ए, कहने का मतलब ए का वैल्यू कितना आया 4 आया। सभी बच्चे बताओ कर लोगे ना, कर लोगे ना भैया? जितने भी स्टूडेंट हैं अगर आप उन्हें लेके आओगे, बच्चों की संख्या 100 प्लस हो जाए तो मैं पूरे 1 घंटे पढ़ाऊंगा, बच्चों की संख्या 100 प्लस होनी चाहिए, मैं पूरे 1 घंटे पढ़ाऊंगा, लेकिन लाइव क्लास में 100 लाइव प्लस दिखना चाहिए। आपके घर में चाहे जितना मोबाइल है सब में चला दो, सारे लैपटॉप में चला दो, भैया मम्मी पापा भैया भाभी सबके मोबाइल में चला दो, 100 प्लस लाइव वॉचिंग दिखना चाहिए, मैं 1 घंटे पढ़ाऊंगा, उससे कम दिखेगा तो फिर 1 घंटे नहीं। चलिए मैं जो दूसरा वाला पूछ रहा था वो भी कर देते हैं, यश 12 ज्ञात करना है। ये सूत्र होता है आपका 2an-1 × t, ये आपका बड़ा ब्रेकेट लगता है भैया, यश 12 मतलब n का मान कितना 12, 12/2, 2 × a का मान 4 आया है, धन n, n का मान कितना आया 12 माइनस 1 × d, d का मान 3 दिया था, हल कर लेंगे, ये 6 हो जाएगा चूंकि कट जाएगा, ये देखो कितना हो जाएगा 2×4 8, और इसको देखो बच्चा घटाओगे तो 11 आएगा, 3 का गुणा करोगे 33 हो जाएगा, तो 33 × 7 = 41, 6×41, फाइनल में आपका आएगा यश 12 इक्वल 6 × 6 = 24, 246 आंसर आएगा। सभी को समझ में आ गया, लिख लीजिए, जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी फटाफट लिख लीजिए। चलिए नंबर तीसरा देखो क्या कह रहा था, कह रहा था कि एक एपी में इसमें कुछ डेटा आपको दिया गया है और उस डेटा के आधार पर आपको चीजें और भी निकालनी है, ठीक है? अब देखो समझो, इसमें का मैंने 3 पार्ट आपको करवा दिया था, 2 पार्ट आपके लिए होमवर्क है, इसके 2 पार्ट आपको खुद से करने हैं, वो होमवर्क है। इसका जो 4th-5th होमवर्क है 6th पार्ट में मैं बताने चल रहा हूँ। ए बराबर 2, 6th पार्ट आप देखो, ए इक्वल 2, डी इक्वल 8, एस एन 90 दिया, क्या दिया है एस एन, ये 90 दिया है, तो कह रहा है एन और ए एन ज्ञात की, क्या क्या ज्ञात करना है ध्यान देना, एन और ए एन ज्ञात कीजिए, ठीक है सब कुछ अच्छा है। आप मुझे ये बताओ कितने बच्चे कर लेंगे ये क्वेश्चन, ईमानदारी से बताना, बिल्कुल बेईमानी नहीं करना, कौन कौन कर लेगा सच बताना। चलो देखो बच्चा इसमें बहुत आसान है बाबू, जो सूत्र आप लगाते आए हो ना, एक तो समांतर श्रेणी के योगफल वाला लगाओगे और एक जो सार्वजनिक फार्मूला लगाते आते हो वाला लगाओगे, हाँ जो फार्मूला आपको लगाना है। देखो मैं बताता हूँ, सब कुछ क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नंबर काहे को कट जा रहा है, हाँ
को कट जा रहा भाई। ओके चलो अब इसमें क्या करेंगे हम सूत्र लगाएंगे SAN वाला। कौन सा? SAN वाला लगा लो क्योंकि हमें SAN का मान भी दिया है, मतलब योगफल वाला सूत्र लगा लें सीधा सीधा शब्दों में। तो SAN बराबर होता है कौन सा? n अपॉन 2 ब्रेकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका नॉर्मली फार्मूला होता है। इसमें जो जो दिया है बाबू रख दो फटाफट। यहाँ से आपको क्या मिलेगा पता है? बहुत लंबी प्रक्रिया झेलने के बाद आपको यहाँ से n का मान मिलेगा। तो SAN का मान 90 दिया है, n का मान नहीं दिया है, इसे कुछ भी नहीं रखेंगे। अब 2 और a का मान देखो 2 दिया है, n का मान नहीं पता है, d का मान 8 दिया है। कितने लोग कर लेंगे? अनसुनी अनसुनी बातें काहे को भाई तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो कमेंट। हाँ हरिकेश कुमार चलो देखो बेटा अब समझो। यहाँ पे ये 90 बराबर n अपान 2, ये 4 हो जाएगा 2 × 4 और ये प्लस n माइनस 1 घटेगा इसमें से, लेकिन ये घटेगा नहीं क्योंकि ये क्या है एक अजीब टाइप का पथ है। मतलब ऐसे बात करें तो किसी भी चर से कोई भी अचर पद नहीं घटता है, घटता है तो कोई नया पद नहीं बनता है, तो ये उतना ही रहेगा। तो इसमें मल्टीपल कर लो, गुणा कर लो, 8 का गुणा n में करोगे बेटा तो 8n हो जाएगा, फिर 8 का गुणा 1 में करोगे तो -8 हो जाएगा। ये ब्रेकेट बंद, कहानी समझ में आ रही है? चलिए n अपान 2 ये देखो प्लस माइनस घट जाएगा बच्चा, क्या होगा घट जाएगा, तो माइनस का 8 प्लस का 4 घटाने पे माइनस का 4 आएगा, तो माइनस का 4 आएगा तो हम 4 को बाद में लिख देंगे, 8n पहले लिख देंगे क्योंकि ये प्लस में है। इधर उधर कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं होती है ना। कित्तू सिंह समझ में आ रहा कित्तू की नहीं आ रहा है ना? चलो ठीक है वेरी गुड। अब यहाँ इतना करने के बाद हम उधर चलेंगे दूसरी साइड में। ध्यान देना इसमें अगर आपको ये दिख रहा है तो आप यहाँ से कुछ समझ पा रहे होंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग इसको गुणा कर सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं। तो बेटा देखो ये 90 बराबर हो जाएगा n अपान 2 का मल्टीपल 8n में करोगे तो n अपान 2 इंटू 8n, बीच में देखो माइनस का चिन्ह था माइनस लगा दोगे, अब n अपान 2 का मल्टीपल 4 में करोगे ये हो जाएगा n अपान 2 इंटू 4। कैलकुलेशन करना इसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है बस। चलो ये कट जाएगा 2 × 4 = 8 और ये कट जाएगा 2 × 4 = 4 90 बराबर ये हो जाएगा 4n माइनस ये 2n। क्यों भाई ये तो बड़ा आसान लग रहा है मुझे लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये देखो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, कुछ मिस्टेक हुआ है, पता है क्या हुआ है मिस्टेक भाई? ये n ये भी है, ये n है तो ये 4n हुआ, मल्टीपल होगा तो 4n का स्क्वायर होगा, तभी तो मुझे लगा कैसे इतना आसानी से आ गया। इसमें देखो आप कुछ कॉमन ले सकते हो, आप चाहे कॉमन लेके देखो, अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे बताओ, लेकिन कोई फायदा होने वाला नहीं। हो जाएगा फायदा, देखो ये 90 बराबर इसमें 2 कॉमन ले लो तो 2n का स्क्वायर आएगा माइनस n आएगा। क्यों भैया ठीक है कि नहीं? इसको लिखो कितना सही है। अब ये 2 इधर आएगा क्योंकि इधर इसके साथ में गुणा में है, मैं एक एक बार डिटेल में बताऊंगा इसलिए कोई भी शॉर्टकट नहीं करूंगा। ये ऐसे हो जाएगा इक्वल 2n का स्क्वायर माइनस n। अब ये कटेगा बेटा जब 2 से तो ये 45 आ जाएगा, 45 इक्वल 2n का स्क्वायर माइनस n। हम चाहें तो इसे थोड़ा शॉर्टकट कर सकते हैं लेकिन हम शॉर्टकट नहीं करने वाले हैं। अब ये देखो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं पहले मुझे बताना। 2n का स्क्वायर माइनस n और माइनस का 45 बराबर 0, बताओ कमेंट करके ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं भाई? सीधी सी बात है, आप ये मान लो कि हम 45 को उधर ले जा रहे हैं तो इधर ले जाएंगे तो इसके साथ माइनस में हो जाएगा, सीधी सी बात है माइनस हो जाएगा।
लेकिन लेकिन क्या, कराने पे माइनस तो हो गया, लेकिन हम क्या किए पूरा पद इधर ले आए उठा के, सर केवल जीरो बचा। इतना लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसे मिटाता हूँ। भाई अनसुनी बातें, आपको 5 मिनट के लिए होल्ड किया गया है। अगर आप हैं तो आप 5 मिनट बाद कमेंट कर पाएंगे, आप बिल्कुल परेशान ना रहें। जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं इतना लिख लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बहुत जल्दी करें, इतना हम फिर से हल करेंगे। ये बन गया एक प्रकार से आपका समीकरण, जैसे आप हल करते थे उसी तरह से। इसका स्क्रीनशॉट बहुत जल्दी ले लो, मैं सामने से हट जाता हूँ। बहुत जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सामने से हट जाता हूँ। जल्दी करो। पूजा कुमारी कह रही कि 2n कॉमन नहीं ले सकते हैं। पूजा कुमारी ले सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन कोई उसका हमें फायदा नहीं मिलेगा। फायदा का मतलब ये है कि अगर हम n कॉमन लेंगे, सॉरी 2 कॉमन लेंगे, तो ये इधर आके 45 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब एक बड़ी मुसीबत हट जाएगी। लेकिन आप ये सोचो जरा, अगर हमने 2n कॉमन लिया होता तो इसके साथ 90/2n आ जाता, तो 2n से ये कटता तो है नहीं, तो क्या होता, फिर यहीं अरज जाता, ये यहीं अरज जाता, फिर 45/n आ जाता, फिर हमें इधर गुणा करना पड़ता, तो कोई मतलब नहीं होता। ठीक है राधिका, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग नहीं, गुड आफ्टरनून। समझ में आया ना पूजा जी, समझ में आया? अगर हम 2n का अमल लेंगे तो n हमारा इधर आके अरज जाएगा, इसमें फंस जाएगा, वो हल नहीं होगा फिर, इसलिए ऐसा नहीं करेंगे। अब मैं इसको मिटा के उस पे आता हूँ। देखिए, इसको हमने 2 हिस्से में हल किया है। अब इधर वाला हिस्सा देखना ध्यान से। दिव्यांश शुक्ला जी नमस्कार, नमस्कार। अब समझो इधर साइड में ये चीज पूरा हमें यहाँ लाके हल करना है। आप बचपन में ऐसा समीकरण हल कर रहे हो कि नहीं, पहले मुझे बताओ, ऐसा हल कर रहे हो कि नहीं? गुणा करने पर 45 आए, घटाने पर 1 आए, ऐसा कुछ पढ़े हो? गुणा करने पर 45 आए, घटाने पर 1 आए, पढ़े हो कि नहीं? पढ़े हो, ठीक है, पढ़े हो तो कर लोगे, बिल्कुल उसी तरह से करना है भाई। चलो बाबू रेडी रहो एकदम से, फिर मतलब फटाफट करने के लिए। ये 2n का स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0, समझना। अब हमें ये करना है, जैसे समीकरण हल करते थे 2 का गुणा 45 में करें तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। बीच में क्या है, n, n का गुणांक क्या है, 1, यानी अब हमें दो गिनती ऐसी खोजनी है जिसको गुणा कर दे तो 90 आ जाए, गुणा करें उन दोनों को तो 90 आ जाए, और यहाँ माइनस होने की वजह से घटाने वाला लेंगे, यानी घटा दे तो क्या आ जाए, 1 आ जाए। बताओ जल्दी कोई को, 2 ऐसी गिनती जिनको गुणा करें तो 90 आ जाए और घटा दें तो 1 आ जाए, जल्दी बताइए, जल्दी से फटाफट, देर नहीं करिए। हाँ चलो जल्दी करें हमारे सभी साथी खिलाड़ी, फटाफट चलो। तो वो क्या हो जाएगा, 10 और क्या हो जाएगा, 10 और 9 हो जाएगा, 2n का स्क्वायर माइनस, हम देखो 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं बाबू 10 माइनस 9, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं भैया, हो 1 चाहे लिखो चाहे 10 माइनस 9 लिखो, वो तो घटेगा 1 आ जाएगा, तो हम इस पे 10 माइनस 1 लिखेंगे इंटू n लिखेंगे इंटू 45 बराबर 0। मंजुला श्रीवास, हाँ मंजुला भाई, मंजुला कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? देखो समझो अब कैसे, अब ये हो जाएगा आपका 2n का स्क्वायर माइनस ये 10n, और ये माइनस है पहले इसलिए कोष्ठक खुलेगा तो प्लस हो जाएगा, और माइनस का ये 45 इक्वल 0। इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन, ऐसा कुछ होगा, होगा ना? तो भैया इसमें 2n कॉमन ले लो बाबू, तो n बचेगा माइनस 5 बचेगा, इसमें प्लस कितना कॉमन लोगे, मुझे लग रहा कुछ गड़बड़ हो रहा है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 10 और 9 होगा यार, यहाँ पे 10 और 9 होगा, हम यहाँ तो सही बताए थे लेकिन यहाँ लिखते टाइम मिस्टेक हो गया, ये 10n हो जाएगा, ये 9n हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9n। अब इसमें हम 2n कॉमन लिए तो n माइनस 5 बचा, इसमें हम प्लस 9 कॉमन लेंगे, n माइनस 5 बचेगा बराबर 0। एक्चुअली हमें इसलिए याद आया क्योंकि यहाँ पर जो कॉमन के बाद बचेगा दोनों कोष्ठक में एक समान नंबर बचना चाहिए, अलग अलग नहीं होना, तो
तो एक आंसर हो जाएगा n माइनस फाइव और एक हो जाएगा 2n प्लस 9 इक्वल 0। हमें n का मान निकालना था। आप जरा एक मिनट के लिए सोचिए, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर n बराबर तो 5 आएगा, ये आंसर हो गया। लेकिन थोड़ा सा भी यहाँ समझना है। आप कहोगे गुरुजी ये कैसे हो गया, है ना? तो देखो बेटा, ये n माइनस फाइव और 2n प्लस 9, इन दोनों को हम बारी बारी जीरो के बराबर करते हैं। यहाँ पे समझ लो, करना नहीं है। यदि 2n प्लस 9 इक्वल 0, n बराबर माइनस 9 बटा 2 आएगा। बोलो आएगा ना, जल्दी बोलो। हाँ आएगा ना। और यदि n माइनस 5 इक्वल 0 है तो n बराबर 5 आएगा। बोलो आएगा ना। यहाँ n है क्या? जानवर का नाम है, इंसान का नाम है, पद का नाम है, क्या है यन भैया? हो यन क्या है? पद का नाम है, ये पदों की संख्या है, हा? ये पद का मान है ना यन। तो यन कभी भी माइनस में तो होगा नहीं। जैसे कहा जाए कि कोई समांतर श्रेणी में माइनस 5 पद हैं, तो भैया पद माइनस में नहीं जाएंगे। पद होंगे तो या तो एक पद होगा या दो पद होगा या 5 पद होगा, लेकिन माइनस में थोड़ी पद होगा। तो नीचे क्या लिखोगे, नीचे क्या लिखोगे? आप नीचे लिख दोगे n बराबर क्या आएगा, 5 आएगा। बाकी तुम्हें कुछ लिखना ही नहीं है, चाहे तो लिख भी दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख दो n बराबर माइनस 9 बटा 2, ब्रेकेट में लिख दो। ये मान अमान्य है क्योंकि पदों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं होगी, ठीक है? आई टी आई एस यस आर, बेटा तुम्हें ना हम ब्लॉक कर दे रहे हैं क्योंकि तुम्हारा नाम और कमेंट दोनों एक जैसे। दिलीप जी निवेदन है कि फालतू इतना सारा चीज ना भेजिए मिस्टर दिलीप बेटा। हाँ चलो, तो यन का मान हमें मिल गया। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है बाबू ए एन, यन निकालना था, यन आ गया। इतना लिख लिया आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए, हो गया। चलो तो जो बच्चे शुरू से देख रहे हैं उन्हें समझ में आएगा। इसके पहले वाला चीज मैंने मिटा दिया, बैक करोगे तो मिल जाएगा। उसके बाद ये लिखना था, ठीक है? इसको मिटा रहा हूँ। इसको लिखने के बाद तब ये लिखोगे तो यहाँ यन का मान आया। ये मैंने तीन स्टेप में इसे लगाया था, एक स्टेप मिटा दिया था, ये दूसरा स्टेप मिटा दिया, अब ये तीसरा स्टेप है। समझ गए ना? चलो अच्छा बच्चा, तो तुम गलती से पैदा हो गए, मिस्टेक हो गई तुम्हारे माँ बाप से। चलो कोई बात नहीं, दोबारा ना करें ऐसा। चलो ठीक है, तो ये हो गया। अभी हमें ए एन निकालना है। क्या निकालना है? ए एन निकालना है। जरा ध्यान देना कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आ जाते हैं यहाँ पर बीच बीच में, मुझे उन्हें भी बोलना पड़ता है। ए एन निकालने के लिए ये सूत्र लगाओगे, ए एन बराबर, देखो हमें एन का मान भी मिल गया 5। सूत्र लगा दो, ए एन बराबर जो छोटा वाला है अपना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ए एन का मान हमें नहीं पता है, एन की जगह पर 5 आ गया तो हम लिख सकते हैं। ए की जगह पर 2 दिया है, एन की जगह पर 5 माइनस 1 इंटू टी की जगह पर 8। डाल लीजिए, ये हो गया 2 धन, ये 4 बचेगा, 4 8 32। तो बेटा ए 5 बराबर कितना आएगा? 34। ये आंसर हो गया आपका ए एन का, ठीक है? क्या हो गया? 34। देख लो उत्तरमाला में यही मिल रहा है ना। किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो बता दो, बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। बताओ, क्लियर करो, कोई समस्या नहीं ना किसी को? एकदम मस्त दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, फुल एचडी में दिख रहा है, बेहतरीन दिख रहा है। लिख लीजिए, मैं एक बार और क्वालिटी चेक कर लेता हूँ कि अगर कोई 360 पे देखता है तो कैसा दिखेगा। 360 पिक्सल पे भी अच्छा दिख रहा है, काफी बढ़िया दिख रहा है, ठीक है? 360 पे भी अच्छा दिख रहा है। नोट कर लो कि आपका 6 पार्ट हो गया। इसके बाद हम अगला पार्ट देखेंगे। कौन सा देखेंगे? अगला पार्ट देखेंगे। किसी को कोई परेशानी, कोई डाउट, एनी क्वेश्चन तो बता दो, बिल्कुल एक एक डाउट क्लियर होना चाहिए आप लोग का। धीरज कुमार क्लियर है, पूजा कुमारी, आशुतोष, पंकज, ठीक है बेटा? अगर जिनका इंटरनेट धीमा भी चल रहा है उनको भी बेहतरीन दिख रहा है, मैंने करके देख लिया, सारे क्वालिटी पर बढ़िया दिख रहा है। चलो डोंट वरी, चलो ओके।
गुड। तो अब हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, ध्यान देना। ये हो गया आपका सिक्स पार्ट। आप लोग ये बताओ जल्दी से मुझे कमेंट करके सभी, क्या आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है तो बोलो हाँ। और हाँ देखो यार, आपकी जिम्मेदारी है बाबू क्लास को लाइक और शेयर करना, आपकी मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक शेयर करना। धीरज कुमार, पूजा, सोनू, प्रियंका मिश्रा, ठीक है, सबका कमेंट मुझे दिख रहा है। अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखो बच्चा, छठा मैंने करा दिया, सातवां आप कर लेना। देखो इसमें 10 पार्ट दिए गए बाबू, तो 10 पार्ट में अब मैं सारे पार्ट तो करवाऊंगा नहीं, कुछ पार्ट तो आपको खुद से करने होंगे, कुछ तो आपको खुद से करने होंगे। तो इसमें का सातवां पार्ट आप लोग कर लोगे, आठवां पार्ट में बताने चल रहा हूँ। अवधेश निषाद, बाहुबली गेमिंग, आ रहा समझ में ना बच्चा? तो चलो बाबू आठवां पार्ट पे आ जाओ। इसमें दिया है ए एन 4, टी बराबर 2, एस एन माइनस 14, ए एन 4 दिया है, टी बराबर 2 दिया है, एस एन माइनस 14 दिया है। ए एन 4 दिया है, डी 2 दिया है, एस एन माइनस 14 दिया है। तो ए एन और ए ज्ञात करना है, एन और ए क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, किसी को कोई परेशानी इसमें नहीं, चलो समझो। इस समय गणित की क्लास का टाइम है भाई, स्मार्टी ठाकुर अजय, दोपहर दो बजे से। अभी देखो बच्चा, इसमें हमें यन निकालना है और ए निकालना है, यानी हमें प्रथम पद निकालना है और पदों की संख्या निकालनी है। तो हम ए एन बराबर दिया है, तो ए एन का फार्मूला यूज कर सकते हैं, एस एन भी दिया है, तो एस एन यानी योग वाला भी यूज कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि हम करेंगे कौन सा, यानी कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। चलो देखो, हम पहले ए एन वाला करेंगे, यहाँ से एन का मान निकालेंगे। बेटा ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मार्कर में थोड़ा सा मैं स्याही और भर लेता हूँ, जिससे कि आपको और बेहतरीन दिख सके। थोड़ा सा रुक जाना ये, चलो जल्दी से आप लोग मान रखो इसमें और मुझे बताओ कि कितना आ रहा है, जल्दी करो सभी, जितने भी हमारे खिलाड़ी जुड़े हैं वो जल्दी से मान रख के बताएं कितना आ रहा है, ईमानदारी से बताना भाई। बाहुबली, बाहुबली चैनल, जब बाहुबली आ गए तो फिर कमी किसकी है। चलो तो बेवफा सनम भी आ गई, ठीक है, और कौन है, साहेब अदुवंशी। बच्चा समझोगे, समझोगे तुरंत नहीं, सब समझ जाओगे, पहले जुड़े हो, टाइम दो, समझो, कोशिश करो, समझोगे। चलो ए एन का मान 4 दिया है, तो यहाँ पे 4 रख लो। ए का मान नहीं पता है, कुछ नहीं रखना है, एन का मान भी नहीं पता है और डी का मान भी नहीं पता है, तो भैया जो नहीं पता लापता है उसे क्या करोगे, लापता रहने दो। लेकिन अभी क्या करोगे, एक काम करो, अगर इसको रखोगे तो इसमें आधा मामला रच जाएगा। हम पहले ये सूत्र लगाएंगे, एस एन, इसे ऐसे लिख लो आधे एक कलम में, बगल में इसके बगल में इसका योग वाला सूत्र लिखो, योग वाले में लिखो एन अपान टू और ए प्लस एल। इसमें देखो अंतिम पद भी दिया है, 14 दिया है, क्या है कि नहीं, अंतिम पद का भी मान दिया है, ए एन दिया है ना, तो चलो सारा मान रख दो। यहाँ से बेटा आपको मान मिल जाएगा, कौन सा, ए का मान मिल जाएगा। तो यस एन माइनस 14 रखो, एन का मान हमें नहीं पता है, ए का मान भी नहीं पता है, एल का मान ये 4 दिया है, ठीक है।
अब यहां से समझना, ये माइनस का 14 और ये माइनस का n अपान 2, इधर से जब इधर आएगा ये तो माइनस में हो जाएगा n अपान 2, और ये a प्लस 4 ऐसे रहेगा। इसको समझना, क्रॉस मल्टीपल करोगे बेटा, माइनस का 28 और माइनस का n अपान 2 बराबर a प्लस 4। हमें a का मान निकालना है हर हाल में, चाहे जैसे भी करके a का मान निकालना है। अब ये कटे पिटेगा तो है नहीं, कटे पिटेगा है नहीं, तो क्या करोगे? हाँ, कुछ मिस्टेक हो रहा है का है, मैं पहले बताओ, कुछ मिस्टेक हो रहा है का? 14 × 28 सही तो है। एक काम इसमें और भी कर सकते हो आप, इसमें एक काम और भी कर सकते हो थोड़ा सा आसान करने के लिए, वो क्या है? ये मैंने पूरा इधर लिख लिया, ये तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको 4 को इधर ले आओ, तब भी ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन इसको आसान तरीके से भी कर सकते। ये तरीका पहले देख लो तब। अब माइनस का 28 माइनस का n बटा 2, 4 इधर से आएगा, माइनस में हो जाएगा, इसके नीचे भी 1 लिख सकते हो, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा, हल करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, हाँ तभी समझ में आएगा, मतलब करना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब ये माइनस का 4 है, ये क्या करोगे, हर बराबर करके तिरछा मिर्छा गुणा करो, गुणा करो, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 28 माइनस का n, ये हो जाएगा 2 × 8, माइनस का 8 और माइनस का ये 28, आपके लिए काफी लंबा बन जाएगा मुझे लग रहा है। आप ये छोटा वाला तरीका कर लो, अच्छा रहेगा, ये गलत हो रहा है, काफी लंबा खिंच जाएगा, फिर आप लोग कहोगे यार ये तो बिना मतलब का है। यहां से देखो आसान है इसको करना, इसको करना आसान है, यहीं से देखो, जाने दो, छोटा करें, ये 2 का तिरछा गुणा इसमें कर सकते हैं, बराबर के साइड में है ना, पता है ना आपको, बीच में बराबर का चिन्ह लगा है। हाँ तो बेटा ये गुणा कर लोगे तो ये माइनस का 28 हो जाएगा, बराबर n इंटू ए प्लस 4। देखो मैं समझा देता हूँ, इसका मतलब समझ लो कैसे हुआ। जैसे कहीं कहीं अगर 3n बराबर ये 5/7 लिखा है, तो बच्चा इसको जब तुम हल करते थे बचपन में, यहाँ पे x मान लो, तो लिखते नहीं थे ऐसे 5 का x में और 3 × 21, बोलो, यहाँ से x का मान निकाल लेते थे 21/5, बोलो ऐसा कभी करे हो कि नहीं? बीच में बराबर लगा है तो ऐसे क्रॉस मल्टीपल हो जाता है, तो वैसे यहाँ पर किया, ठीक है, धीरज ऐसा कुछ नहीं, पक्षों में गुणा नहीं, क्लियर। अब ये माइनस का 28 और ये n इधर आएगा बेटा, गुणा में है, इधर हो जाएगा भाग में, हाँ बराबर a प्लस 4, यहाँ से माइनस का 28 अपान n और माइनस का 4 इक्वल 0, सॉरी 0 नहीं, a इसमें बचा है ना, ये हो गया आपका a का मान, ये क्या हो गया, a का मान आ गया। चलिए ये तो बिना मतलब का था, मैंने नीचे जो लिखा था ये हो गया खत्म। आप समझना, यहाँ पे ध्यान से समझना, ये a का मान आ गया, आपसे a का और n का मान पूछा था, आधा क्वेश्चन हो गया है, ये इधर वाला बाद में करना है, इधर वाला बाद में करना है, पहले इधर वाला लिख लो। अब चलिए a का मान ले आके इसमें रख दीजिए, और आपका दूसरा मान भी आ जाएगा, कौन सा निकालना था, n का ना, चलो यहाँ लाके सारे मान रखो फटाफट। तो बेटा a का मान माइनस का 28/4 माइनस 4 आया है, क्यों, यही आया है ना, यही आया है ना, a का मान आया है माइनस 28/n माइनस 4, ये मैंने लिखा a की जगह पर। उसके बाद अब ये n का मान निकालना है, इसका मान नहीं रखना है, t का मान रखना है, इधर जगह कम है इसलिए मैं इसको मिटाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटाऊंगा, बिलीव स्टडी योर सेल्फ, ठीक है भैया, अच्छा है, चलो अब मैं इसको मिटा दिया, अब आगे आप इसे आसानी से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। चलिए समझिए, मुझे लग रहा है कि दोपहर के टाइम में बच्चे नहीं आ पाते हैं, खाली नहीं रहते हैं। तो देखो बेटा, अब यहाँ पे n का मान तो हमें पता है नहीं, हम कोष्ठक को ओपन कर सकते हैं डायरेक्ट, क्लिक नहीं,
नहीं कर सकते हैं, जाने तो छोड़ो, अभी कुछ नहीं करेंगे, तो ऐसे रख दो n माइनस। अबे ये a की जगह पे भाई इतना रखा हूँ, ये वाला प्लस लगाओ ना, n माइनस वन इंटू टी डी का मान दो, इतना ठीक है, लिख लो इतना जल्दी से। अब इन्हें हमें हल करना है, देखो ये दो इधर क्या है, गुड़ा में है, इसे कुछ इधर उधर फेंक सकते हो कहीं, हाँ चाहे तो दूसरी साइड भेज दो। चलो अब मैं बताता हूँ कि इसमें कर क्या सकते, समझो समझो, इसके नीचे हम वन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं वन, और अगर हम एलसीएम वाला मेथड अपनाएं, जैसे आप थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा समझना भाई, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, तो हम एक काम कर सकते हैं, तो माइनस फोर पहले अच्छे से लिखो ढंग से, के नीचे वन लिख सकते हैं, क्यों चाचा लिख सकते हैं। अब इनको जैसे तीन पद वाली भिन्न हल करते हो, एक बटा पाँच धन एक बटा सात धन एक बटा दो, बोलो कभी हल करे हो कि नहीं, इसमें कैलकुलेशन है, इसमें कैलकुलेशन है, जैसे ये भिन्न हल करते हो तीन पद वाली ना, सभी का एलसीएम ले लो, फिर एलसीएम में हर से भाग करो, जो आए उसके अंश में गुणा कर दो, सेम वैसे तरीका लगाना है, सेम वैसे तरीका लगाना है, हाँ ठीक है। तो देखो समझो, अब समझना, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे सभी का, यन एलसीएम आएगा, सभी का एलसीएम वन वन, यन और वन का एलसीएम यन आएगा, नीचे क्या करोगे, लंबा सा यन लिख दोगे, अब यन से यन में भाग करोगे एक आएगा, अट्ठाईस में गुणा करोगे अट्ठाईस आएगा, माइनस इस तरह से इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, यन का इसमें मल्टीपल करोगे तो फोर एन हो जाएगा, और प्लस इसमें भी गुणा हो जाएगा आपका यन का, चाहे तो एक बार में कर लो, चाहे तो थोड़ा रोक के करो, हाँ थोड़ा मैं रोक ही देता हूँ, ये इसमें भी मल्टीपल हो जाएगा तो ये तेईस से बन जाएगा, इधर क्या है फोर, कैलकुलेशन है बेटा इसमें, कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे तो अटक जाओगे। रिम्मी स्कूल से आ गई, ठीक है अच्छा है, चलो अब इनका क्रॉस मल्टीपल करोगे तो ये फोर एन हो जाएगा, बराबर माइनस का अट्ठाईस माइनस का फोर एन, और प्लस देखो एन और ये दो और ये एन सबका गुणा होगा, इसको चाहे तो एक तरफ लिख लो, इधर यन से गुणा कर रहे हो इधर दो से कर रहे हो, दोनों तो है ना इसी में ही, ऐसे भी कर सकते हो, तो दो एन का इसमें गुणा करोगे बेटा तो ये हो जाएगा दो एन का स्क्वायर, माइनस दो एन का इसमें गुणा करोगे तो ये दो एन, इतना सबको समझ में आ रहा है ना, कैलकुलेशन है इसमें, कैलकुलेशन नहीं करोगे तो अटक जाओगे। चलो समझो, अब ये माइनस का फोर एन और ये माइनस का दो एन दोनों जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का छः एन हो जाएगा, नीचे दिख रहा है, मैं एक लाइन लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 4n बराबर माइनस का 28 और माइनस का ये 6n और प्लस का 2n का स्क्वायर। देखो बच्चा ये माइनस का जो प्लस का 4n है, ये 4n भी दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब ये पूरे में से क्या होगा, घट जाएगा। अब पूरी कहानी समझना, इधर साइड में आ जाओ जल्दा भाई, चलो सभी आ जाओ उधर साइड में, चलो इधर ये 4n क्या होगा, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो बेटा देखो ये फाइनल में इतना बनेगा, कितना भाई, इसे हम जीरो के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, सबको उधर ले जा करके, देखो बता रहा हूँ, हम इधर लिख सकते हैं इसको जीरो बराबर, क्योंकि सब उधर चला जाएगा, इधर कुछ बचेगा नहीं तो जीरो बचेगा, माइनस का अट्ठाईस माइनस सिक्स एन माइनस का फोर एन और प्लस टू एन का स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको हम जोड़ सकते हैं बच्चा, तो जीरो बराबर जोड़ लो, माइनस का अट्ठाईस माइनस का दस एन प्लस का टू एन का स्क्वायर। अब इनको हम पलट भी सकते हैं, कैसे, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का अट्ठाईस माइनस का दस एन प्लस का टू एन का स्क्वायर इक्वल जीरो, भाई चाहे तो इधर आगे जीरो लिख लो चाहे उधर लिखो, मतलब तो ये क्या हुआ। अब यहाँ से समझना तुम ध्यान से, इसमें से दो कॉमन ले सकते हैं बेटा, माइनस में ले लें कि प्लस में, माइनस में नहीं लेंगे, कॉमन प्लस में लेंगे, इसलिए लेंगे
अभी तो पहले इसे सीधा करो, पहले इसे ये ऐसे लिखें, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आरोही क्रम, सॉरी अवरोही क्रम, यानी घातों के घटते क्रम में लिख दिए भाई। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम इसे एज ए समीकरण बनाएंगे, समीकरण जैसे बनाएंगे और हल करेंगे, ठीक है। तीसरी लहर भाई, राम राम, लेकिन तुम आना नहीं तीसरी लहर, नहीं 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 तीसरी लहर तुम आना नहीं, चलो 5 मिनट तुम शांत रहो। अब इसमें दो कॉमन ले लेंगे बेटा, n का स्क्वायर माइनस 5n माइनस का 14 इक्वल। अब देखो ये दो इधर साइड में गुणा में है, उधर साइड में जाएगा भाग में हो जाएगा, फाइनल में मिलेगा n का स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 इक्वल 0। अब इसे हल करके n का मान निकाल लोगे कि नहीं, जैसे x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 करके निकालते थे वैसे कर लोगे कि नहीं? सभी जितने भी बच्चे जुड़े हैं मुझे जल्दी से बता दो, कोई दो ऐसी गिनती बताओ जिसका गुणा करें तो 14 हो जाए, घटा दें तो 5 आ जाए, बताओ। गुणा करें तो 14 हो जाए और घटा दें तो 5 हो जाए, कर लोगे ना? मैं इसको मिटा रहा हूँ, इधर मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मैं इसका मान यहीं पे निकालूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, बहुत जल्दी करो फटाफट। PVR स्टडी चैनल, हाँ चलो मुझे लग रहा है ये टाइम बदलना पड़ेगा क्योंकि कक्षा 10 के बच्चे इस टाइम पे नहीं, ये टाइम अच्छा नहीं है, टाइम मुझे चेंज करना पड़ेगा। चलो देखो समझो बच्चा, अब इनको हम यहाँ ले आए, यहाँ तक दिख रहा है n का स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 इक्वल 0, मल्टीपल करें तो 14 हो जाए, घटा दें तो 5 आ जाए। तो बेटा हम इसे ऐसे कर सकते हैं, 7 माइनस 2 n माइनस 14 इक्वल 0, इसको गुणा करोगे तो 14 हो जाएगा, घटा दोगे तो 5 हो जाएगा। हाँ तीसरी लहर का मैसेज मैंने डिलीट किया, वो नहीं किया, उसे मैंने 5 मिनट के लिए आराम दिया है। ये हो गया 7n, कोष्ठक खोलोगे अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का 14 इक्वल 0। हाँ इसमें देखो बेटा n कॉमन ले लोगे, n माइनस 7 दो कॉमन ले लोगे, n माइनस 7 इक्वल 0, यहाँ से n माइनस 7 और n प्लस 2 इक्वल 0, ये दो मान आएंगे। अगर हम n को यहाँ से प्राप्त करना चाहते हैं, देखो बेटा n माइनस 7 को 0 के बराबर करेंगे तो n का मान 7 आएगा, और जब n प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे तो n का मान माइनस का 2 आएगा, और चूंकि n क्या है, पदों की संख्या है, तो पदों की संख्या कभी भी माइनस नहीं हो सकती है, इसलिए n माइनस 7 बराबर 0 और n बराबर 7, यही क्या है सही उत्तर होगा, ठीक है। यानी n का मान माइनस 2 सही नहीं हो सकता क्योंकि पदों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं होगी, ठीक है, समझ में आया ना? चलिए आप लोग बताइए क्लास का टाइम कितना बजे किया जाए। वैसे मुझे जहां तक लग रहा है कि सुबह के टाइम में 8 बजे पहले चलता था वो सबसे अच्छा था, लेकिन सब कहते हैं कि मैं स्कूल जाता हूँ, कोई कोचिंग जाता है, शाम को 8 बजे कर दे, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर शाम को 7 से 8, फिर 8 से 9, फिर 9 से 10, फिर मेरी तो लगातार सारी क्लास हो जाएगी यार, लेकिन करना ही पड़ेगा ना, या तो शाम को कर दें या सुबह कर दें। सुबह 7 से 8, हाँ सुबह 7 से 8 कर दें का, आज तो काफी टाइम चल गया, जाना ही नहीं पड़ा। देखो अभी मैं बता रहा हूँ कब करना है, थोड़ा रुके रहो। ये आपका यन का मान आ गया बेटा, ए का मान भी निकालना था, ए का मान तो पहले ही आया था, ए का मान तुम फिर से निकाल सकते हो ना, ए का मान फाइनल थोड़ी आया था, ए का मान निकाल लो। चलो मैं मिटा दे रहा हूँ इधर साइड में, ए का मान जो आया था वो यन के रूप में आया था, वो उसका सही मान नहीं था। अब आप इसका मान रख के ए का मान फाइनल कर लो,
टाइम बदलेगा, पक्का बदलेगा। दोपहर 2 बजे से सही नहीं है, दोपहर 2 बजे से बचवा लोग देख नहीं पाते हैं। हाँ यार, शाम को 5 बजे भी करा जा सकता है। हाँ देखो, मैं अब बताता हूँ, थोड़ा रुको। मैं खुद लापरवाह आदमी हूँ, जैसा लापरवाह आदमी दुनिया में नहीं मिलेगा। खोज लो बत्ती लेके तुम। चलो देखो, अतः ए बराबर कितना, माइनस का 28 अपान एन माइनस का 4। क्लियर बेटा? तो एन का मान 7 आया है, तो यहाँ पे 7 माइनस 4 ये कर लो। क्यों, एन का मान माइनस में सब कुछ आया था ना, ये 7 चौक 28 माइनस का 4 बराबर माइनस का 8 क्या आएगा, -8। लिख लो, इतना लिख लीजिए, आपका ये हो गया फटाफट क्लियर, जल्दी करिए। कह रहा किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योगफल 400 दिया गया है। योगफल कितना दिया गया है, 400 दिया गया है। तो पदों की संख्या और सारबांतर ज्ञात कीजिए। एक बार क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिए। कह रहा कि किसी एपी, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है, क्वेश्चन लिख लो, और उनका योगफल 400 है, तो पदों की संख्या और सारबांतर ज्ञात कीजिए। भाई सीधा सीधा सा है क्वेश्चन, तुम्हें क्या दिखाऊं मैं, तुम इतना पढ़े लिखे हो, मैं इतना बार बोला लिख लिए होते, इसमें दिया है, क्या लिखोगे, हल में लिखो दिया है, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे गिवन ए इक्वल 5, ए का वैल्यू क्या दिया, 5 दिया है। भाई काहे को जूम कर रहा भाई, वे एक मिनट रुकना थोड़ा सा, ये मुझे खोजने की कोशिश करता है, थोड़ा सा मुझे इसे जूम आउट करना पड़ेगा, देखना समझना। ए इक्वल कितना दिया, 5 दिया है, अंतिम पद यानी ए एन आपको दिया है 45, कितना दिया, 45 दिया है, और इसमें इनका योगफल भी दिया है, एस एन दिया है कितना भैया, ये 400 दिया बाबू, ठीक है। और क्या कह रहा है, इसमें कुछ और भी है का, नहीं इतना ही दिया है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए। कहना किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योगफल 400 है। तो प्रथम पद 5 कर दिया, अंतिम पद 45 कर दिया, योगफल 400 लिख दिया, तो इनकी पदों की संख्या और सारबांतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या का मतलब इनको यन चाहिए, और सारबांतर का मतलब कॉमन डिफरेंस यानी टी का मान चाहिए, ये निकालना है। हम सूत्र लगा देंगे इसमें, कौन सा, एक तो योगफल वाला है, एक पदों की संख्या वाला है। योगफल वाला अगर हम एस एन वाला लगाएं तो आप देखो अंतिम पद भी दिया है, पहला पद भी दिया है, यानी एन का मान आ जाएगा, आसान है। चलिए देखिए, समांतर श्रेणी का योगफल जब अंतिम पद दिया हो तो ये सूत्र होता है, जब अंतिम पद दिया हो तो ये फार्मूला लगता है। एस एन का मान तो 400 ऑलरेडी दिया है, एन का वैल्यू हमें पता है नहीं, यही तो निकालना है। ए का 5 दिया है, अंतिम पद इसमें 45 दिया है। चल भैया लगे रहा जल्दी जल्दी, एन अपान 2 इंटू ये हो जाएगा 50, इनको काट दो, 25 आएगा। यानी आप इसे तो हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, थोड़ा शॉर्टकट कर सकते थे, तो 25 एन हो जाएगा। तो देखो बेटा ये 400 अपान 25 इक्वल एन, क्योंकि ये इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, इससे कट जाएगा, एन का मान 16 आएगा। अब इतना तुम जानते हो, इतना बड़ा खच्चर नहीं हो, एन से जब भाग करोगे, 25 से भाग करोगे इसको, 16 आएगा, एन का मान कितना आ गया, 16। यानी इस श्रेणी में कितने पद हैं, 16 पद हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लो। कह रहा किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है, श्रेणी का योगफल 400 है, तो श्रेणी में पदों की संख्या और सारबांतर ज्ञात कीजिए। हो गया ना, ये थोड़ा जूम कर रहा है, मैं इसे जूम आउट कर देता हूं तो बेहतर दिखेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम बना रही है। चलो थोड़ा जूम आउट कर दे रहा हूँ, हाँ ठीक है, अब बेहतर है।
मस्त है, आगे बढ़े। चलो तो ये हो गया, अब क्या करेंगे, अब हम इसमें रखेंगे, क्या रखेंगे, वही आपका रख दो, पदों की जो संख्या वाला सूत्र है उसको रख के मान निकाल लेते हैं। और हाँ, आप PBR स्टडी सर्च करके अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको पता है कि आपकी क्लासें पहले चलती थी और अभी भी कुछ पेड क्लासें चल रही हैं उसमें, लेकिन आप वैसे नहीं देख पाओगे अनअकैडमी पे पेड वाला बिना पेमेंट किए वहाँ पे। तो फिलहाल आप फ्री वाला हमारा देख सकते हो, अनअकैडमी पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं अभी। आगे बढ़े, क्या करना है इसमें, AN इक्वल, ये फार्मूला होता नहीं याद है किसी को, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ से हमें डी का मान निकालना है, AN का मान 45 दिया है इसे रख दीजिए, ए का मान 5 दिया है, एन का मान 16 दिया है, डी का मान नहीं पता है। 45 बराबर 5 प्लस ये हो जाएगा 15D, ये 16 से घटेगा 15 आएगा, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 5 बराबर 15D, तो ये 40/15 बराबर डी आ जाएगा, 5 से कटेगा, 5 × 8 = 40, 5 × 3 = 15, यानी 8/3 बराबर क्या आएगा, डी। तो डी की वैल्यू कितना आएगी, 8/3। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया क्लियर। सबको समझ में आ रहा है ना, आज तो मुझे लग रहा है कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं तो कमेंट वमेंट कुछ देख ही नहीं रहा हूँ, पता नहीं कौनों देख पोख रहा है कि नहीं देख रहा है, मुझे आज ध्यान ही नहीं था कि कोई पढ़ भी रहा। ठीक है, बहुत अच्छे, आज बहुत बढ़िया से समझाने को मिला, क्योंकि मैंने कमेंट पे ध्यान नहीं दिया। पढ़ते रहो, सभी पढ़ते रहो। गुरु गया बिहार कुमार, बेटा पढ़ाई कर लो गुरु गया, हाँ पढ़ाई कर लो बस, ऐसे ऐसे खतरनाक नाम है इनके, इनका नाम है दीपू ऑफिशियल गुरु गया बिहार कुमार, तब क्या कहूँ इनको, मैं कहूँ तो क्या कहूँ, कोई शब्द नहीं। एके बुक में क्वेश्चन क्यों नहीं मियो रहा है, बुक में क्वेश्चन मिल रहा है, एक्सरसाइज है 5.3, क्लास 10th का NCERT मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.3 है। ठीक है, मनोज कुमार, स्नैक गेमिंग, सुनीता कोहरा, हरिकेश, शमसुद्दीन बापू, चलो ठीक है, सभी जुड़े रहो, पढ़ाई करते रहो, कमेंट के चक्कर में ना पढ़ो, नहीं तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो मैं आगे बढ़ता हूँ अब, चलो आगे ध्यान दीजिए सभी पढ़ाई पर, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर, डांट बातचीत नहीं। चलो भाई तो बंद कर दो यार, चमक जा रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये 5 नंबर क्लियर हो गया, 6 नंबर पे आगे चलें, 8वें नंबर पे आगे बढ़े ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर पे, थर्टवा नंबर देखो, ध्यान दो, सर हरिकेश कुमार पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो बेटा। और दीपू ऑफिशियल गुरु गया कुमार, आप 5 मिनट आराम कर लीजिए, कमेंट नहीं कर पाएंगे 5 मिनट आप। चलो छठा क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज आपका 5.3 है, क्लास 10th की NCERT मैथमेटिक्स, पता नहीं मेरा चश्मा ही गंदा है कि गंदा दिख ही रहा है, स्याही डाल लेते हैं, चलो ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन सुनो, क्या कह रहा है, कह रहा किसी AP के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। एक बार फिर से सुनो, कान खोल के सुनो, किसी AP के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं, यदि सार्व अंतर 32 हो, यदि सार्वांतर 32 हो, अरे यार ये लोग दिमाग डिस्टर्ब कर दिए, सच बता रहा हूँ, रुक जाओ इसमें से ही गिर गई, सार्वांतर 32 नहीं 9 है, यदि सार्वांतर 9 है तो इनमें कितने पद हैं और इनका योगफल क्या है,
ये निकालना है। एक बार फिर से सुन लीजिए, क्लास टेंथ का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 6। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः, मतलब सीरियल से 17 और 350, क्रमशः का मतलब प्रथम पद 17 है, अंतिम पद 350। यदि इनका सर्वांतर मतलब डी, कॉमन डिफरेंस डी 9 है, तो इनमें कितने पद हैं, यन का मान बताना है और इनका योगफल भी ज्ञात करना है, मतलब यस यन ज्ञात करना है। तो लिख लो चाचा लोग, यहाँ पे क्या लिखोगे, हल लिखो दिया है, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा लिखेगा गिवन, का गिवन है, प्रथम पद 17 है ये दिया है, और इसमें अंतिम पद मतलब ए एन दिया है 350, कॉमन डिफरेंस डी का मान 9 दिया है, कह रहा है कि पदों की संख्या और योगफल ज्ञात कीजिए, मतलब एन बराबर ज्ञात करना है और यस एन भी ज्ञात ही करना है। अखिलेश कुमार, कुछ समझ समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत बुझा तक नहीं जा रहा ना, चलें फिर आगे, चलो ठीक है। अब देखो आगे क्या कहता है, ध्यान देना इधर साइड में, भैया देखो ये में डी भी दिया है, ए एन भी दिया है, ए भी दिया है, यन का मान तो मुझे लग रहा आसानी से आ जाएगा, यन का मान आसानी से आ जाएगा। चलो यहाँ पे ये फार्मूला लगाते हैं, ए एन इक्वल ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी, ए यन का मान 350 है, ए ए का मान 17 है, प्लस यन का मान हमें नहीं पता है, डी डी का मान तो हमें लग रहा 9 दिया है। किसी को कोई हैरानी परेशानी मुसीबत इतने में बोलते जाना, अगर कोई डाउट होगा तो बिना किसी टेंशन के बोलते जाना, ठीक है, मस्त है ना सब। चलो अब क्या करेंगे, इनको हल करना है, सरल करना है, सिंपल भाषा में बोलें तो ऐसे कर लो, ये 17 प्लस, देखो चाचा लोग ये घटेगा नहीं, मतलब यन से वन घटेगा तो कोई फर्क ना पड़ेगा, तो ये 9 यन माइनस का 9 होगा, यानी ये आपका 350 बराबर ये 17 और ये 9, इन दोनों में जुगाड़ है, 17 और 9, एक प्लस एक माइनस घट जाएगा, घट जाएगा, चिन्ह कौन सा आएगा, जो गिनती प्लस होती है उसी का चिन्ह हमेशा लगता है, मैं कई बार बताया हूँ, जैसे आपने देखा होगा अगर एक अनदर बिरादरी जिसे बोलते हैं में एक लड़की लड़का की शादी हो जाती है, तो लड़की जा करके लड़के के घर जो लड़के का सरनेम होता वही लगाती है, कभी सुने हो कि नहीं, वैसे तो जल्दी होता ही नहीं है, अगर हो भी जाता है कहीं तो ऐसा होता है। कुछ समझ पाए ना, नहीं समझ पाए तो चलो पढ़ो, अब ज़्यादा मत समझना। वैसे यहाँ पे क्या होता है, जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसी का यहाँ पे चिन्ह लगता है, वो मैं थोड़ा और क्लियर कर दूंगा, अभी थोड़ा सा रुक जाओ। तो ये आपका हो जाएगा 8 प्लस 9 एन, देखो मैं क्या बताना चाहता था, ये जैसे 17 और माइनस करना हो ना, तो यहाँ पर आंसर 8 आएगा और प्लस में 8 आएगा, लेकिन अगर ये ऐसे होता माइनस का 17 प्लस का 8, अबे 8 नहीं 9, ये समझना यहाँ पे साइड वाला, तो ये माइनस 8 आता, आप कहोगे हियाँ भी तो ऐसे था, हियाँ भी ऐसे, तो हियाँ का माइनस आया, अभी जो एग्जांपल बताया कुछ समझ में आया ना, वैसे उसी में यहाँ पे ये 17 जो है बड़ा गिनती, भाई 17 ज़्यादा है 9 कम है, तो जो गिनती बड़ी होती है उसके साथ में जो चिन्ह होता है फाइनल के आंसर में वही लगता है, हाँ समझ में आया ना, ये मतलब है। चलिए, और जो भी इसमें महान आत्माएं जुड़ी हैं और क्लास को लाइक नहीं की हैं वो जल्दी से लाइक कर दें बिना देर करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे कि आपको क्लासें रोज मिल सकें और आप बिल्कुल फ्री पढ़ सकें, और फोन पे फोन करके परेशान ना करें, कहो तो हाथ पैर छू लें लेकिन फोन ना करें, हाँ फोन करते हैं तो वो भी मतलब का काम नहीं करते, ऐसा ऐसा करते हैं ना, एक ही फोन करेगा कौनो, पहले 4-5 बार 8 बार 10 बार तो कोई उठाएगा नहीं हमारी तरफ, क्योंकि हमारे यहाँ हर समय तो कोई खाली होता नहीं कि हरदम फोन उठा ले, ये फोन सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक करेंगे, फिर बाद में जब इधर से किया जाएगा तो बोलेंगे हेलो, हाँ कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है, नहीं नहीं हमने नहीं किया था, इतना तेज गुस्सा लगती, मतलब
क्या कहा जाए। सोचो कि कोई अगर तुम्हें 20 बार लगातार फोन किया और आपने उठाया नहीं, रिसीव नहीं किया, और फिर जब आपने रिटर्न किया तो पूछे कौन, कहां से बोल रहे हो, काहे फोन कियो, तब उसे क्या जवाब दोगे। तो ये इन लोगों की क्या है, एक विशेष क्वालिटी है, तो इसलिए इनसे हाथ जोड़ना पड़ता है, समझ रहे हो ना। चलो तो ये 350 माइनस 8 इक्वल 9 एन, अब इनको घटा लोगे जब इधर साइड में तो ये 342 हो जाएगा। क्यों भैया, कुछ उल्टा पुल्टा गड़बड़ जा रहा है का, एन का मानी तो निकालना है ना, सीधा तो जा रहा है ना। बराबर कितना है, देखो यहाँ ध्यान देना, ये 9 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 9 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 इक्वल एन, 9 से इसे काट दो, 9 त्रिक 27 और 9 अठे 72, यानी एन का मान 38 आ गया। कितना आ गया, 38, समझ में आया ना। टीपू ऑफिशियल गुरु गया बिहार, कुमार पहले तो हमें ये बताओ तुम इसको लिखे काहे हो, मुझे बहुत गुस्सा लग रही तुम्हारा ये नाम देख के, पता नहीं क्यों ऐसा। हाँ, ये ना तो तुम्हारा इसमें नाम नजर आ रहा है, ना तो तुम्हारा इसमें कुछ समझ की बात आ रही है, कि बेवकूफों जैसे लग रहा है। गुरु गया बिहार कुमार, हाँ, ये कौन बनाया तुम्हारा नाम, पहले मुझे उसका नाम बता दो बस। ऐसी कौन सी महान आत्मा है जो तुम्हारा इतना अच्छा नाम रखी है, कोई मुझे मिला देना अगर हो सके तो, उससे दर्शन कर ले। चलो गुरु नहीं है, गुरुआ है वो, सॉरी मैं थोड़ा उल्टा पड़ रहा था, और अच्छा ना हो गया, एन का मान आ गया। अब एस एन का मान निकालना है, क्या निकालना है, एस एन का मान निकालना है। हाँ वो भी कर सकते थे चचा, वो भी कर सकते थे तुम, वो भी कर सकते थे, लेकिन नहीं किए तो मैं क्या करूँ, जाने दो। कुल मिला के इसमें एन का मान निकालना था, चाहे जैसे भी निकालो, एन का मान निकालना था चाहे जैसे निकालो, सही सही होना चाहिए। अब दूसरा वाला निकालेंगे, एस एन इक्वल, इसमें फार्मूला लगाओगे एन अपान टू ए प्लस एल, आसान है इसको करना, एन का मान 38 आ गया, 38 ए का मान 17 दिया है, तो भैया 17 ही रखेंगे, अंतिम पद 350 दिया था तो 350 दिया। हाँ आप देखो यहाँ पे ये इससे डिवाइड होगा तो 19 आएगा, 19 और इंटू इनको जोड़ोगे तो 367 आएगा, सही लिख रहा हूँ कि नहीं। अरे भाई साहब 350 10 60 67, अब इनका गुणा करना है, मल्टीपल करना जानते हो कि नहीं, कर लो। 19 सत्ते 133 का 3 हासिल आया 13, 19 छक्का जानते हो क्या होता है, मुझे भी नहीं पता है, जब 19 सत्ते 133 होता है तो 19 छक्का 33 घटा, उसमें 33 में से 19 घटा लो, हाँ कितना होगा, 112 होगा का, कर लो 114 होगा, कितना होगा 114 और 13 कितना होगा, 14 28 एकम 27 का 7 हासिल आया 12, 19 तीन 57, 57 में 12 जोड़ोगे 57 10 67 और 67 दो 69, मतलब समझ में आया चाचा कि नहीं, कि हो गया आपका यसियन का वैल्यू। देखो मल्टीपल करना आना चाहिए, अब तुम कहो कि हमें पहाड़ा वाड़ा नहीं आता है तो मैं क्या कहूँ, जाओ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी की क्लास शुरू हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि इस समय क्लास 10th का मैथ सुबह 5 बजे से चल रहा है, तो बच्चों आप लोग सभी जुड़ गए हैं, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए जो जो जुड़ गया है, फटाफट कमेंट करिए, मैं सभी का कमेंट्स देख रहा हूँ, एक मिनट मैं इसमें वीडियो चला लेता हूँ, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, चलिए चलिए फटाफट कमेंट करते रहिए, मैं भी वीडियो देख रहा हूँ। पंकज जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नाभ्या, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मनीष एम डी नाभेद, गुड मॉर्निंग प्रिया सिंह, गुड मॉर्निंग पंकज, गुड मॉर्निंग कनक लता जी, गुड मॉर्निंग प्रियंका सरोज, और कौन है भाई अभी अभी जुड़े हैं, ललित कुमार, वीरेंद्र,
नीतीश जी गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बच्चों सभी का नाम लेना संभव नहीं है, माफी चाहते हैं। चलिए हम आपके टॉपिक पे और क्लास में चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है, क्लास टेंथ का मैथ में एक्सरसाइज 5.3 चल रहा है और इसमें अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7वां आज हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखना। और अगर कोई प्रकार का डाउट है आपके मन में तो आप उसे कमेंट करके जरूर बताना, हाँ आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। चलिए देखिए, समझिए। क्वेश्चन कहता है, कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी का मान यानी कॉमन डिफरेंस 2 है। और एक चीज और भी दिया है, कह रहा है कि उसका 22वां पद जो है वो 149 है। यानी 22 पदों का जो मान तो निकालना है, इसमें दो चीजें दिया गया है। तो सबसे पहले हल लिखेंगे या सॉल्व आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद लिखेंगे बच्चा दिया है, इंग्लिश मीडियम वाला लिखेगा बेटा कि गिवन। क्या क्या दिया है हमें? कॉमन डिफरेंस दिया है और 22वां पद दिया है। यानी कहने का मतलब हमें ये ए 22 ऐसे कुछ दिया है का, ये है ना 149 दिया है, 149 दिया है। यहाँ से अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो बेटा ए एन की जगह पे ये दिया ना, एन की जगह पे ना, यानी एन का मान क्या दिया है 22 दिया है। एन का मान क्या दिया है 22 दिया है। अब इसमें आपसे क्या पूछा है कि 22वां पद इतना है, 22 पदों का योग निकालना है, हमें ए तो नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम ए निकालेंगे, बिना ए के कुछ नहीं होने वाला है, प्रथम पद होता ना ए। चलिए देखिए, समझिए, पूरा समझते चलना, कोई प्रकार का टेंशन मत लेना, ठीक है। ये हम लोग सूत्र लगाएंगे, सूत्र आप सभी जानते हो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला हर कोई जानता है। तो चलो यहाँ पे मान रख देंगे। देखो बेटा ए एन, एन की जगह पे हमें 22 दिया है तो हम 22 रख दिए, और ए का हमें मान नहीं पता है, एन की जगह पे 22 माइनस वन इंटू डी, डी का मान 7। इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए ए 22 का मान 149 दिया है जो कि पहले से आप सबको पता है, इसमें से घटाओगे तो 21 आएगा, 7 का मल्टीपल करोगे जब 21 में, तो देखो बेटा इनका गुणा करना तुम्हें पता है, 7 + 7 = 7, 7 × 2 = 14, 147 आएगा, यानी 137 ना। यहाँ से जब ए का वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो ये ऐसा लिख सकते हैं हम 149 माइनस 147 इक्वल ए, क्योंकि ये इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि 2 इक्वल ए, या ए इक्वल टू बोलो, बात दोनों एक है। यानी जो यहाँ से ए का मान आ गया, प्रथम पद कितना आ गया 2 आ गया। समझ में आ रहा भाई? राम बाबू, पूनम, एकता चौहान, आ रहा समझ में? और कौन? बबीता। अच्छा कैसे आ गया? देखो भाई, बबीता ये पूछ रही कि यहाँ पे जो यन है उसका मान 22 कैसे आ गया। देखो यहाँ से समझो, कह रहा है कि एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, ये पूछ रहा है, बोल रहा है कि इसे निकालना है। मैं डी का मान दिया है और कह रहा है 22वां पद 140, 22वां पद, यहाँ यन क्या होता है? यन जो है वो पदों की संख्या होती है, जैसे चौथा पद मतलब A4, हाँ 8वां पद मतलब वो पद नहीं है वहाँ पद, जैसे मान लो थोड़ा सा एक सेकंड समझ लो, जैसे बेटा ये एक श्रेणी है, समझना, जैसे यहाँ से समझना, ये मान लो एक श्रेणी है बन रही है, तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, बोलो है ना, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो इसमें चौथा पद कितना है 16 है, लेकिन वो है कौन पद? ये चौथा पद है, यानी हम इसे कह सकते हैं A4 है। क्या है बच्चा? A4 है, यानी ये चौथा पद है, लेकिन चौथा पद का मान 16 दिया है, चौथा पद का मतलब ये नहीं कि 4 है, नहीं वो 4 नहीं है, वो चौथा है। तो उसी तरह से यहाँ क्या है? 22वां पद कितना? 149 है। जैसे यहाँ पर चौथा पद 16 है, वैसे बच्चा यहाँ पर 22वां पद क्या 149 है। तो यन जो है वो पदों की संख्या होती है, तो यहाँ पर 22वां पद बोला था, इसलिए यन का मान क्या रखा गया? 22 रखा गया, ठीक है। आप किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलो फटाफट हो गया, बहुत जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। और हाँ, कुछ लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़े जा रहे हैं, वो लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं। बेटा पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि आज हम कमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाले,
है, तो मैं इसको मिटा दूंगा इधर साइड से, नहीं तो इसी को मिटा देता हूँ, ज़्यादा जगह है। चलो देखिए, जब हम सिर्फ कमेंट पे ध्यान देते हैं तो फिर आपका क्लास डिस्टर्ब हो जाता बेटा। ये मैंने कमेंट पे ध्यान देना बंद कर दिया। आप कमेंट करो, आपका रिप्लाई लिख के मिलेगा। इसके अलावा जब ये लाइव सेशन ख़त्म हो जाएगा, आप बाद में कमेंट करोगे ना तो आपको वो सब रिस्पांस मिलेगा। संडे को हम जो लाइव करते हैं उसमें सिर्फ कमेंट पढ़ते हैं। अगर आपकी कोई बात है जो है नहीं सुनी जा रही तो रविवार को आओ लाइव, रविवार को सिर्फ कमेंट ही पढ़ेंगे और कुछ नहीं। चलिए, कह रहा था कि 22वां पद इतना दिया गया है, इसका 22 पदों का योगफल निकालना है, तो आप दूसरा वाला फार्मूला लगा दो बेटा। इसमें सब कुछ आ गया आपको, ये योगफल वाला सूत्र यही होता है, ए प्लस यही होता है मेन सूत्र ना। दिख तो रहा ना सभी को? नहीं, मार्कर में थोड़ा और इंक भर देता हूँ, अगर बोलो नहीं दिख रहा है तो। चलिए आ जाएगा, तो हमें ये यस एन निकालना है। एन का मान कितना है? 22। वैसे तो दिया था ना भैया, कमान 22 दिया था ना, और पहला पद ए का मान अभी 2 आया है, और अंतिम पद का मतलब वही जो 22वां पद है, 22वां पद 149 ना, 149 हो गया। इसको काटोगे बेटा, ये आ जाएगा आपका 11 × 159। पूरा कर लो, 11 × 11 हासिल है, 11 × 55 56 हासिल, 5 × 11 = 11, 11 × 5 = 16। यानी जो यस एन आया वो कितना आया? 1661। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से, ये आपका क्वेश्चन हो गया डन। फिर किसी को कोई डाउट तो बताओ, नहीं ना भाई इसे साइड कर लो थोड़ा सा यार, बहुत ज़्यादा अंदर में जा रहा है ये। जल्दी से लिख लीजिए, हो गया कंप्लीट, बहुत जल्दी करिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं तेजी के साथ, फटाफट आ जाओ सभी। चलिए, कोई प्रकार की अगर बात है तो आप बताइए, जरूर बताइए, उसे टेंशन मत लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो फटाफट इसे लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा था। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखो बेटा, एक 8 नंबर यहाँ दिख रहा है, 9 नंबर इधर दिख रहा है, तो पहले 8वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 9 नंबर बाद में देखेंगे। हाँ, क्या कहता है? कह रहा है उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी उस एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। मतलब दूसरे और तीसरे पद A2 14 दिया है और A3 18 दिया है, 51 पदों का योग निकालना है। पदों की संख्या भी कितनी दी है? 51 दिया, यानी एन का मान भी तुम्हें दिया है। कर लोगे कि नहीं? है ना, कितना आसान है, ऐसे क्वेश्चन मैंने पीछे भी बताया है, कर लोगे ना भाई? नवीन कुमार नहीं आएगा क्या? कर लोगे ना? हाँ, ये क्या इमोजी उमोजी भेज रहा है? पढ़ लो भाई चुपचाप, नहीं बहुत थप्पड़ थप्पड़ पड़ेगा, फालतू कमेंट ना करो कोई भी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। पूजा अग्रहरी बिल्कुल, क्लास इस समय सुबह 5 बजे, हाँ सुबह 5 बजे। सुधांशु बेटा अच्छा दिख रहा है, क्वालिटी चेंज कर लो अच्छा दिखेगा। कुछ लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे होंगे, उनके नाम भी शामिल किए जाएंगे अगर वो टाइम से उत्तर देंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं, कुछ बच्चों के कमेंट्स आपको दिखते हैं, कुछ के दिखते भी नहीं आप लोग को, है ना। चलिए फिर आगे क्या करते हैं, अब हम अगला क्वेश्चन, ये होमवर्क रहेगा एक प्रकार से। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है और 17 पदों का योगफल 289 है, यानी यहाँ पर एक 7 कह रहा है और एक 17 कह रहा है, तो कह रहा है कि इसके एन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लिखोगे बेटा इसमें दिया है, इसमें जो जो दिया है पहले उसे लिखोगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, हल लिखो, गिवन, गिवन मतलब दिया है। कह रहा कि 7 पदों का योगफल 49 है, 7 पदों का योगफल 49 है, यानी कि बेटा जो योग है, योग बोल रहा है, अगर 7वां पद बोलता तो फिर ये 7 होता, योग की बात कर रहा है, यानी ये 7 कितना है? 49 है, और यस 17 ये 289 है। यहाँ से अगर आपको निकालना पड़ेगा तो आप क्या क्या निकालोगे भैया? एन का मान निकाल लोगे कि नहीं? यहाँ पे 2 इक्वेशन बनेगा, ये कहानी यहाँ से कम समझ में आएगी, इधर साइड इसे ले चलना पड़ेगा। देखो समझो, यहाँ से 2 इक्वेशन बनेगा, दोनों के लिए अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, आप लोगों को बनानी पड़ेगी दो जगह। चलो देखो बनाओ, हाँ यहाँ दिख रहा है, 2 जगह बन जाएगी क्या यहाँ पे?
बन जाएगी कि नहीं? बन जानी चाहिए, ये लो बन गया ना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जरा ध्यान देना थोड़ा सा, यस एन इक्वल, पहले मैं कैमरा थोड़ा जूम आउट करूँगा जिससे कि आपको थोड़ा और दिखे, जगह हो जाए यहाँ पर। अब देखो कैमरा मैंने जो है थोड़ा सा जूम आउट कर दिया है, अब आपको थोड़ा और ज़्यादा स्पेस दिख रहा होगा, ध्यान देना बेटा। यहाँ पे ये लाइन खींच दूँ क्योंकि क्वेश्चन इधर अलग हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अब आपको क्लियर होगा। ये लाइन मैं बाद में बनाऊँगा, पहले आप सूत्र देखो। सूत्र ये होता है एन अपान टू और टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला होता है आप सबको पता है, हाँ योगफल वाला। तो यहाँ पर हम पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन दोनों को देखेंगे। कह रहा है कि सबसे पहले प्रथम सात पदों का योगफल 49 है और उसके बाद फिर 17 पदों का योगफल कितना है, 289 है। तो पहली कंडीशन के लिए हम लेते हैं, ध्यान देना बहुत ही आराम से देखना प्यार से। पहली कंडीशन जब बोल रहा है कि सात पदों का योगफल क्या है, 49 है, तो ऐसी कंडीशन में हमें दिया है, क्या दिया है, यस एन सॉरी यस सेवन कितना दिया है, 49 दिया है, और भी कुछ दिया है क्या हमें? अगर यस सेवन 49 है बेटा तो यहाँ से एन बराबर क्या है, सात, ठीक है। और कुछ कह रहा है इसमें दिया है का? और तो मुझे नहीं लगता कुछ दिया है, और कुछ नहीं दिया है। यहाँ एक इक्वेशन बनेगा, हमें ए भी फाइंड करना है और हमें डी भी फाइंड करना है, सब फाइंड करना है। चलिए तो यहाँ पर जो दिया हम मान रख देते हैं, ध्यान देना हम सारे मान इसी में रखेंगे जो यहाँ दिया हुआ है। ये मुझे बगल बगल लिख लेना चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो ये थोड़ा डिसमिस हो रहा है, हाँ मतलब अच्छा नहीं है, ऐसे जगह थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगी, कम पड़ जाएगी। एन बराबर 49 बेटा दिया है, ए बराबर हमें फाइंड करना है, आप सही है। अब देखो एन का वैल्यू आप रखोगे इसमें तो एन का मान 7 और ये 2, ध्यान देना। अब ये 2a चूँकि हमें a का मान ना दिया है, 7 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान भी हमें नहीं दिया है, फाइनल में हल करेंगे 7/2 और देखना ये 2a प्लस 6d हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट कोई समस्या तो बता दो, नहीं ना। अब एक चीज़ का डाउट ये है कि यस यस 7 देखो बेटा दिया था ना ये ऊपर, तो ये 49 दिया है तो यहाँ पे आप 49 रखोगे, ये आप 49 रखो। अब देखो ये 49 इधर ये गुणा में है ना, इसके साथ में इधर आएगा भाग में हो जाएगा, भाग में का मतलब ये 7/2 हो जाएगा। फिर ऐसे तो इसको हल नहीं करेंगे हम, फिर इसे हम गुणा में करके पलट देंगे, समझ रहे हो, थोड़ा शॉर्टकट कर लो, इतना हल करना तुम्हें आता 10 में पहुँचे हो, नहीं पहुँचे हो तो बताना, हाँ। तो इसे हम क्या करेंगे, गुणा से फिर से हटाएंगे इसे हल करने के लिए, और इसे हम क्या कर देते हैं, भाग में कर देंगे, सॉरी भाग से हटा के गुणा में कर देंगे तो ये पलट जाएगा बेटा, तो 2/7 हो जाएगा और इक्वली हो जाएगा 2a प्लस 6d, ये कट जाएगा 7/49, ये आएगा 14 इक्वल 2a प्लस 6d, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा आपका, समीकरण नंबर एक लिख लो जल्दी से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पहला इक्वेशन हो गया क्लियर, बहुत जल्दी लिख लो बाबू, पहला इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन कैसे करोगे, देखो दूसरी शर्त में दिया है कि 17 पदों का योग 289 है, तो इसके लिए जो n हो जाएगा 17 हो जाएगा और बाकी का सब वही रहेगा। तो चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ, बहुत जल्दी इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो सोल्यूशन का, डन। चलो तो ये सब ऐसे ही रहेगा, ध्यान देना इसमें क्या क्या बदलेगा, अगर आप अच्छे से समझेंगे तो पूरी जिम्मेदारी समझाने की। क्या समस्या हो रही भाई, हाँ रूबिका नहीं समझ में आ रहा है? देखो क्लास में टाइम से जुड़ोगे तो आएगा, पक्का आएगा, क्लास में आप लोग टाइम से जुड़ो, लेट लपेट ना करो, लेट लपेट करोगे दिक्कत होती है। देखो इसमें 7 की जगह 17 है, इनका मान जो 49 था वो 289 है, ठीक है। एन का मान जो 7 था, कितना था एन का मान, यहाँ पे 7 था ना, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा था, 49 7 था, सॉरी एन का मान यहाँ 7 आप लोग लिख लेना, 7 7, ठीक है, क्योंकि ये 7 ही पदे की बात हो रही थी ना, 7 पद की, तो पहली कंडीशन में यहाँ पे आप ए 7 मतलब यहाँ पे ऐसे लिख लेना, लेकिन अब तो 17 हो गया है, पहले ही क्वेश्चन के लिए था वो, और ए का मान नहीं पता है, ये इक्वेशन याद रखना, पहला भी काम लगेगा इसका। अब 17 मान रख दो हर जगह,
यहाँ पर एन है तो 17/2, ऊपर मेन सूत्र देखो 2a प्लस ये 17-1 इंटू डी। अब ध्यान देना तो ये 17/2 हो जाएगा, 17/2 और ये 2a प्लस ये 16d, ठीक है, यहाँ से समझ रहे हो ना। देखो बेटा इसका मान ये 17 का दिया है, 289 दिया है, कितना दिया है 289 दिया है, रख लीजिए, हो गया कैलकुलेशन करना। ये इक्वेशन याद रखना, भूल ना पाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम यहाँ लिख लेंगे 2a 60 इक्वल 14। चलो मैंने इसे संरक्षित कर लिया साथ में, चलो ये भी एक इक्वेशन बनाएगा, बाकी और कुछ नहीं करेगा। इस इक्वेशन से दोनों से मिला करके ए और डी का मान निकाल लोगे, बस वही आपका आंसर है। तो देखो बेटा जब ये इधर आएगा 289 है ना, इधर इसके साथ मल्टीपल में है, इधर आएगा इसके भाग में हो जाएगा। चलो मैं भागे में लिख देता हूँ, तो दूसरे तरीके से डिटेल में बता दूंगा, जैसे उधर फाइंड किया था पहले इक्वेशन में वैसे नहीं करूँगा। तो ये आपका 2a प्लस 6d हो जाएगा, 16d हो जाएगा, सॉरी 16d, क्लियर। देखो बेटा इसको समझ लो, ये कहानी समझ लो थोड़ा सा। अगर ये ऐसा है 289/7/2 ना, आप देखो 7/2 तो भिन्न में है, ये पूरा पूरा फ्रैक्शन में है ना, लेकिन जो 289 है ये बेचारा अकेला है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी भी जोड़ी बना देते हैं। जोड़ी बनाने का मतलब कि जैसे ये 7/2 है ना, वैसे इसको भी हम भिन्न के रूप में लिख देते हैं। भिन्न के रूप के मतलब ये कि इसको हम 289/1 और इसके नीचे 7/2 करेंगे, जिससे दोनों की जोड़ी बन जाए। हाँ, उसके बाद बाहर का बाहर में गुणा कर देते हैं बच्चा, अंदर का अंदर में कर देते हैं बाबू, ठीक है, ये तरीका होता है। यानी कि 289 में आप ये 7 का मल्टीपल करोगे, लेकिन ये 7 नहीं होगा, 17 है तो 17 कर लो ये, ठीक है। तो बस समझ गए ना, यानी ये फाइनल में हो सकता है 289/2 और ये 17, ये मतलब हुआ इसका, ठीक है। यहाँ से हम इसी तरह से हल कर लेंगे इसको, थोड़ा सा जगह मुझे लग रहा है कम है, तो मैं उसे इधर साइड में हल कर लूँ। हाँ, कहाँ पे हल कर लूँ, यहाँ जहाँ जगह बनाया यहाँ पे कर लूँ। चलो समझो भाई ध्यान से, रविशंकर समझ में आ रहा है बेटा, आ रहा है ना समझ में। देखो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अंजलि, हाँ आ रहा है, ठीक है। चलो देखो अब समझो, तो ये हो जाएगा आपका सीधा सीधा, आप ऐसे बना सकते हो 289/2/17। अब मत पूछना कैसे हो गया, मैंने अभी सब बताया है। तो ये 2a+16d हो जाएगा बेटा, 17 हम में होता है ना, अगर पढ़े हो तो तुम्हें याद है, नहीं पढ़े हो तो नहीं याद है। तो 17 × 2 ये हो जाएगा 34। कैलकुलेशन आना चाहिए, अब ये मत कहना कि मुझे ये भी नहीं आता है, जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए। इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया, ये फर्स्ट बन गया है, लिख लो जल्दी से, मैं मिटाता हूँ, इन दोनों इक्वेशन का काम लगेगा, बाकी चीज़ मिटा रहा हूँ। बहुत जल्दी से लिख लो फटाफट, हो गया नितेश, ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अनुज, ठीक है, वेरी गुड, चलो बेटा चलो चलो। अब दोनों इक्वेशन पे ध्यान देना, देखो जब मैं सामने से हट जाता हूँ कैलकुलेशन करके, तो आप स्क्रीन शॉट ले लिया करो, तुरंत देर ना किया करो, फटाफट 2 सेकंड के अंदर आप स्क्रीन शॉट ले लिया करो, और बाद में ना प्यार से लिख लिया करो, और कापी पेन लेके बैठो। अच्छा एक बात बताओ, वैसे कौन कापी नहीं लिया है, खाली हाथ पड़ रहा है, कापी पेन सभी लिया ना, कोई नहीं लिया तो बता दो कि मैं नहीं लिया हूँ, जो उसकी पिटाई शुरू हो जाए पटक पटक के। चलो अब लिखो ये समीकरण 1 और 2 से, 2 − समीकरण 1, समीकरण 2 से 1 घटा लो। देखो बेटा हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, भाई साहब चाहे तो इसको 34 को उधर लिखो, चाहे इसको इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 2a+ ये 16 है याद रखना, यहाँ पे 16 था, 16 6d 12 14। देखो बेटा दोनों को घटाएंगे तो घटाते समय सारे चिन्ह बदल जाते हैं, जहाँ पे प्लस होता माइनस हो जाता, जहाँ पे माइनस होता वहाँ प्लस हो जाता, तो ये कट जाएगा, ये घटेगा आपका 10d इक्वल, ये भी घट जाएगा तो 20 आ जाएगा। तो d का मान यहाँ से 20/10 होगा भाई साहब, 2 आएगा बाबू, कितना आएगा 2 आएगा, ये क्या आया डिफरेंस आया d। अब यहाँ से आप क्या करोगे, जैसे समीकरण हल करते थे बचपन में विस्थापन प्रतिस्थापन और विलोपन विधि, वही करेंगे। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रख दो बेटा, तो समीकरण 1 था
टू ए प्लस सिक्स डी इक्वल 14, तो टू ए प्लस सिक्स डी, डी का मान 2 इक्वल 14, तो देखो बेटा ये 2a बराबर हो जाएगा 14 माइनस 12, क्योंकि ये 6 दूना 12 हो जाएगा, उधर जाएगा कट जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 2/2, यानी ये कट जाएगा बराबर 1 आ जाएगा। a का मान कितना आ गया, 1 आ गया, याद रखना a का मान कितना आ गया, 1 आ गया। हमें क्या निकालना था, प्रथम n पदों का योग निकालना था। अब हमें a भी मिल गया, d भी मिल गया, सब मिल गए हैं, अब हम n पदों का योग आसानी से निकाल लेंगे। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। चलो पूरा देख रहे हो तो समझ में आ रहा क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, नहीं तो कुछ जो बगल बगल कैलकुलेशन होता है वो भी छाप लोगे अगर बाद में देखोगे। जल्दी करो, हो गया स्क्रीनशॉट, मिटाऊं मैं, मिटाऊं आगे बढ़ूं। अब क्या निकालना है बच्चा इसमें, अब हमें एन का मान निकालना बेटा, हाँ एन निकालना है। चलो फटाफट फटाफट बहुत जल्दी से करो, एन का मान तो वो सब तो आ गया भाई, क्या निकालना था, कह रहा था इसकी प्रथम एन पदों का योग निकालना है। ठीक चलो, अब एन पदों के योगफल का सूत्र तो तुम सबको पता है, पता है ना, यस एन बराबर जो अभी लगाए थे वैसे ही कुछ है। तो चलो लिखो एन पदों का योग बराबर, आता है एन पदों का योग बराबर, आता है एन पदों का योग बराबर, लिखो फटाफट लिखो, यस एन इक्वल, भाई सूत्र तो वही है ना जो अभी सिंपल वाला, एन अपान टू टू ए प्लस, हाँ होता नहीं है ये 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो हमें यस एन निकालना है बेटा। एन का मान हमें कहीं दिया है क्या, एन का मान नहीं दिया था कहीं भी, वो तो हम लोगों ने जुगाड़ से उस पद के माध्यम से निकाला था, बाकी एन का मान कहीं भी नहीं दिया था। a का मान कितना दिया था, 1 दिया था, तो 2 इंटू 1, ये एन हमें पता है का, b का मान दिया है ना, b का मान कितना दिया, 2, कितना दिया था 2, हाँ चलो क्लियर। तो बेटा ये आपका हो जाएगा एन अपान टू, और ये आपका हो जाएगा टू प्लस टू एन माइनस टू, दो का गुणा होगा एन में तो दो एन, और दो का गुणा वन में होगा तो दो होगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा बेटा, तो एन अपान टू, कोष्ठक में आपका टू एन बचेगा अंदर में, ये एन दो से दो भी कट जाएगा, एन का एन में मल्टीपल होगा एन का स्क्वायर आएगा, यानी आप कह सकते हो यस एन का मान कितना आया, एन का स्क्वायर। मैं किसी को कोई परेशानी तो बताओ, एनी डाउट किसी को, कोई तकलीफ नहीं ना, आगे बढ़ा जाए हा? तो फिर बच्चा देखो, अब आप लोग और आगे कर लेना, ज्यादा बड़ी क्लास तो आप लोग देखते भी नहीं हो, तो आज का ये सेशन यहीं पे बंद किया जाए। याद रखना सुबह 6 बजे से आपका हर दिन लाइव सेशन होता है, कभी कभी बीच बीच में वीडियो भी आ जाता है, अधिकांश लाइव होता है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद साथियों, क्लास को लाइक और शेयर करके जाना बाबू, प्लीज लाइक और शेयर करके जाना। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा एक बात बताइए, आप सभी के पास किताबें हैं ना, किताबें तो है, ऐसा तो नहीं किसी के पास किताब नहीं है। ठीक है, ये शेयर करने के चक्कर में मुझे इधर उधर झांकना पड़ता है यार, ये क्लास ना शेयर बिना करे बच्चे जुड़ते नहीं हैं, तो क्या मैं कुछ नहीं करूँगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा कि दर्शाइए कि a1, a2, a3, ऐसे कह रहा है, दर्शाइए कि a1, a2, a3 .. an से एक एपी बनती है। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी बनती है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि दर्शाइए कि a1, a2, a3 .. an से एक एपी बनती है। यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, तो नीचे क्या दिया है भैया, दो इक्वेशन दिया है। पहला क्या है, पहले मैं लिख देता हूँ, an इक्वल दिया है बेटा
थ्री प्लस फोर एन, ठीक है, इसमें एक और दिया है तो कह रहा है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में, साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन, एक बार फिर से सुन लीजिए। कह रहा कि दर्शाइए कि a1 a2 a3 डॉट 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 an इस प्रकार परिभाषित है, सॉरी निम्न प्रकार परिभाषित है, दर्शाइए कि a1 a2 a3 डॉट 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 an से एक ap बनती है। यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है तो इस श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। समझ में आया? देखिए आज हम माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से, काहे लिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है इसमें। कल हम क्वेश्चन PDF फाइल में टाइप करवाए रहेंगे, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन बगल में दिखा देंगे और तुरंत सलूशन करवा देंगे, ये लिखना उखना नहीं पड़ेगा, इसमें काफ़ी टाइम आपका जाता है, 2-4 मिनट, है ना। हम समझ सकते हैं कि आपको बोर्ड का परीक्षा देना है तो आपका एक भी सेकेंड खराब नहीं होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन बोलने वाली कल समस्या है ना, इसको मैं क्वेश्चन साइड में लगा दिया करूँगा, फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा क्वेश्चन। चलिए इसमें देखिए हमें करना क्या है, पहले तो हमें एक एपी निकालनी होगी, क्योंकि कह रहा है कि दर्शाइए कि a1 a2 a3 डॉट 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 an से एक एपी बन रही है, तो वो एपी कहाँ जा रही बन रही, तो उसी एपी को पहले निकालेंगे ना। आप लोग लिखो नीचे, चाहे लिखना चाहो तो ऊपर दिए गए समीकरण में, ऊपर दिए गए समीकरण में n के अलग अलग मान रख कर श्रेणी प्राप्त कर लेंगे। ऊपर दिए गए समीकरण में n के अलग अलग मान रख कर एपी प्राप्त कर लेंगे। तो भैया यहाँ पे लिखो n बराबर 1 रखने पर, n बराबर इसमें 1 रखोगे भाई तो ये क्या आएगा बाबू, ध्यान देना, a1 बराबर 3 प्लस 4 इंटू n, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 और n की जगह पे 1 रखोगे, ध्यान रहे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा ये और प्लस 4, तो कह सकते हो कि a1 बराबर 7 आया, कितना आया 7। दीपक शर्मा जी गुड मॉर्निंग, दीपक जी गुड मॉर्निंग, रवि रंजन गुड मॉर्निंग, सुजीत प्रजापति गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। चलो तो 3 प्लस 4 n, ध्यान देना हमने क्या किया, यहाँ पे अभी ए एन ही रख लो नहीं डायरेक्ट मान रखो काहे लिए, चलो ठीक है, समझना। यहाँ पर हमने क्या किया, एन का मान 2 रखा, ऊपर लिख दीजिए, ये हल हो रहा है, ध्यान देना। ये क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पहले किया उसके बाद दूसरा यहाँ कर रहा हूँ, तो रखने पर सबको समझ में आ रहा, किसी को कोई समस्या परेशानी मुसीबत तो बताओ, नहीं ना, यानी हम आगे चल सकते हैं बिंदास, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। आइडियो बिटरेट का कुछ समस्या ये बोल रहा है बार बार, प्रॉब्लम आइडियो की है मुझे ऐसा लग रहा है यार। चलो तो दो मान रखेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, 3 धन 8, यानी ए टू बराबर हो जाएगा भैया 11, कितना हो जाएगा 11। तो इसी तरह से इसमें हम लोग आगे बढ़ सकते हैं फटाफट बिना किसी प्रकार के टेंशन के। अब इसी में 3 भी रख के देख लो, इस तरह से लिख लो a बराबर 3 रखने पर, तो a3 बराबर क्या आएगा फाइनल में, जैसे a1 निकाले हो a2 निकाले हो ऐसे आप a3 भी निकाल लोगे, ठीक है। सुजीत प्रजापति जी अभी रुक जाओ, बताएंगे बताएंगे, जिनको नहीं समझ में आई ये बताऊंगा, ध्यान रहे, रुक जाओ एक मिनट। तो इसी तरह से बेटा a3 निकालोगे, जब इसमें 3 मान रखोगे, कहाँ गया इसमें, तो भाई ये a3 हो जाएगा, n की जगह पे 3 रखोगे, 4 का गुणा 3 में करोगे, 4 3 12 3 15, ये 15 आएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया इसको, ठीक है। कृष्णा कुमार जी गुड मॉर्निंग, कृष्णा जी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सभी जितने भी साथी जुड़े हैं सुबह सुबह सो के उठ गए, गुड मॉर्निंग,
इसमें से ही टॉप करेंगे, देख लेना। जो सुबह 9 बजे सो के उठते हैं ना, एक वो कहा आपने सुना है, पढ़ा है कहीं, कि सुबह 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का जो मुहूर्त होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। ऐसे में माना जाता है कि माँ शारदा अपने भक्तों को ज्ञान देने के लिए, विद्या देने के लिए आती हैं, और जो सोता रहता है वो वंचित हो जाता है। ये सुबह उठना चाहिए। जिनको ये नहीं समझ में आया वो फिर से देखें, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए पूरा। कह रहा कि दर्शाइए कि मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, सुन लो, दर्शाइए कि A1, A2, A3, .. से एक AP बनती है। ये दर्शाना है, क्वेश्चन नंबर 10वां है, NCERT किताब है, तो खोल के देखो। दर्शाइए कि A1, A2, A3, .. से एक AP बनती है। यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, मतलब ये नीचे यही दिया समीकरण, ठीक है। तो आगे पूछ रहा है, नीचे लिखा है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम पंद्रह पदों का योग ज्ञात कीजिए। समझ गए ना, मैं हिलता इसलिए रहता हूं क्योंकि कोई बच्चा अगर नोट कर रहा है, मेरे पीछे कुछ छुपा है तो वो लिख सके, इसलिए मैं एक बार इधर एक बार उधर आता जाता रहता हूं। क्लियर? चलो तो अब कर लेंगे, बहुत आसान है। अब हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले कह रहा है कि दर्शाइए कि इससे एक AP बनती है, A1 A2 A3 .. से। तो अगर इसे AP बनती है तो पहले हम उस AP को तो निकालेंगे ना, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे कि नहीं, बताओ। पहले तो उस AP को हमें खोजना पड़ेगा ना, वो श्रेणी कौन सी है बन रही है, उसे तो हमें निकालना पड़ेगा पहले। तो हमने क्या किया, इसमें जो ये दिया गया इक्वेशन, इसमें n के अलग अलग मान रख के एक श्रेणी प्राप्त किया। तो कोई अभी कह रहा था कि इसमें ये समझ में नहीं आया, देखिए समझिए, जब n का मान 1 रखेंगे भैया, तो यहाँ पे n नीचे है ना, यहाँ पे 1 हो गया, और ये बराबर का चिन्ह बराबर हो गया, 3 की जगह पे 3 हो गया, धन और 4 की जगह पे 4 हो गया, और n की जगह पे 1 हो गया, ये गुणा में है। एक चीज यहाँ समझ लो छोटा सा चाचा, ये 4n का मतलब है कि 4 × n, इसका मतलब यही है। तो n की जगह पे अगर 1 रखेंगे तो ये 4 ही तो आएगा, बोलो हाँ आएगा कि नहीं, आएगा ना। सिद्धार्थ कुशवाहा जी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और टाइम याद रखें बाबू, सुबह 5 बजे क्लास चलती है, अगर आपको कोई समस्या है सुबह 5 बजे तो बता दीजिएगा, हम टाइम बदल देंगे। हाँ, और हाँ, ये क्लास आपकी PVR स्टडी 3.0 चैनल पे चलेगी, याद रखना। आज 6 तारीख हो गया ना, 10 तारीख से आपकी क्लास PVR स्टडी 3.0 चैनल पे चलेगी, अभी नोट कर लो, PVR स्टडी 3.0, क्योंकि आपका अपना चैनल है बोर्ड के लिए स्पेशल, ठीक है। तो इसे समझ लेना, अभी फिर ना कहना कि मुझे नहीं बताया था, भले टाइम लग जाए क्वेश्चन में लेकिन समझ में आना चाहिए। तो ये हो गया, मैंने क्या किया, जहां जहां n था 1 रख दिया, इस तरह से इसको हल किया तो 7 आया, A1 का मान 7 आया, ऐसे इसमें भी किया तो A2 आया, A3 आया। अब आप लिखो नीचे, आगे लिखो, अतः श्रेणी, एक समांतर श्रेणी बन गई ना, ये 7 आ गया, 11 आ गया, 15 आ गया, कितना लिख लियो ना। इतना लिखने के बाद नीचे लिखो अतः समांतर श्रेणी सात ग्यारह पंद्रह .. बन गई है ना, बनी कि नहीं। अभी A1 का मान आया था, फिर A2 का आया था, फिर A3 का आया था, बन गई ना समांतर श्रेणी। आप इसे लिख लो ऐसे। अब यहां समझो,
अगर भैया ये श्रेणी है बाबू, तो इसमें क्या है, ए का मान दिया है, कितना दिया है, सात दिया है, बोलो प्रथम पद दिया है सेवन की नहीं दिया है, दिया है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें हम तुमसे डी का मान पूछें तो कोई बताएगा, डी का मान बता लोगे ना भाई, दूसरा पद से पहला पद घटा लो, आपको पता है ये ए टू माइनस ए वन करते हैं तो ए टू कितना है, समझ लो यहाँ से ए टू मतलब दूसरा पद 11, ए वन सात बराबर कितना आया 4। इसी तरह से एक और भी निकाल लो, हो सकता है कि ना सही हो, तो ए थ्री 15 माइनस 11 बराबर 4, यानी हर स्थिति में 4 आ रहा है ना, यानी जो डी का मान है वो 4 है, क्या है 4 है, लिख लीजिए फटाफट, अगर आवाज़ नहीं आएगी तो बता देना कि हाँ मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है, ऐसे कहा बक के जा रहे हो, ठीक है बता देना नहीं आएगी तो एक डी का मान 4 आया, इसको हम थोड़ा शॉर्टकट में लिखेंगे, इतना फैला के नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट इसको परीक्षा में डी का मान 4 लिखना, यहाँ पे तुम्हें ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा ये जो मैंने बताया, ये तो मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। तो एन का मान कितना है, कह रहा था प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो बाबू क्या हो जाएगा, ये एन का मान 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15। अब क्या करना है ध्यान देना, अब योग वाला सूत्र लगाना है छोटा सा और हल कर लेना है, योग वाला सूत्र लगाना है हल कर लेना है, इतना दिख रहा है तो लिख लो, इतना लिख लो फटाफट, हो गया, तो मैं साइड में थोड़ा सा मिटाऊंगा और इधर साइड में हल कर दूंगा, इधर जगह है, ठीक है समझ रहे हो ना आप लोग, चलो यहां से अब हम इसे हल करेंगे, समझना इधर साइड में, अब आप सूत्र लिखो जो बड़ा वाला योग वाला होता है, अतः यस एन बराबर, ये तो सूत्र होता है ना, यस एन बराबर क्या होता है भाई, हमारे में जगह थोड़ा कम पड़ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है, मैं इसे इधर ही करूंगा, मोहम्मद मुस्कर जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अवधेश जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग अगर इसको लिख नहीं पाए थे तो वीडियो को थोड़ा बैक करके लिख लीजिए, कि यहाँ जगह की कमी है तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा उधर करने से, थोड़ा सा वीडियो बैक करके लिख लीजिए बाबू, अगर आप नहीं लिखे थे तो, ठीक है टाइम है क्लास का 5:00 बजे, याद रखना 5:00 बजे क्लास का टाइम है, तो अब हम यहाँ पे योग लिखेंगे, आता यस एन बराबर एन अपान टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपके समांतर श्रेणी के योगफल वाला सूत्र है, कौन सा है, योगफल वाला सूत्र है बाबू, ठीक है रामजी पाल भाई, रामजी पढ़ाई कर लो चचा, पढ़ाई कर लो, एन की जगह पे 15 रख दोगे, हर जगह जहाँ जहाँ एन है वहाँ 15 रख दोगे, तो ये ऐसे हो जाएगा 2×15 धन ये 15 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 4 आया था, सारे मान रख दीजिए आपको हल करके एक सलूशन मिल जाएगा, हो जाएगा कि नहीं बोलो, ए का मान कितना आया था भैया, सॉरी ए का मान 7 आया था बाबू, ए का मान 15 नहीं आया था 7 आया था, तो ये आपका 15/2, ध्यान रहे ये 14 हो जाएगा, धन 15 से एक घटाओगे 14 आएगा, 14 का 4 में गुणा करोगे कितना आएगा 56 आएगा ना, तो ये कितना आएगा भैया 14×4=56, इन सबको जोड़ लो 6×4=10, 5×1=6=7, लगभग 70 आएगा मुझे लग रहा है, 70 आएगा ना, अब हम इधर साइड में हल कर देंगे क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ा कम पड़ रही है, ध्यान देना यहाँ के बाद हम यहाँ चल रहे हैं, तो भैया ये यस एन बराबर हो जाएगा बाबू आपका 15/2 पूरा ये 70, ये दोनों जुड़ेगा तो 70 हो जाएगा, अब ये कट जाएगा भैया, सिंपलीफिकेशन कर लोगे ना कि आपका 15×35 आएगा, 15×35 मल्टीपल करना आता है, आप लोग पढ़े लिखे हो तो गुणा कर लो भाई, यस एन बराबर 15×75 हासिल आया 7,
पंद्रह पचे पचहत्तर हासिल आया सात, पंद्रह तीय पैतालीस सात बावन, तो कितना आ गया 525। क्या आपका आंसर हो गया 525। यही योगफल निकालना था। आप पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ का एनसीईआरटी गणित, क्लास टेंथ का एनसीईआरटी गणित पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 5.3 चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 था। जो भी बच्चे समांतर श्रेणी की किताब लिए हैं, मतलब गणित की किताब लिए हैं, उनमें समांतर श्रेणी ओपन कर लें और उसमें क्वेश्चन नंबर 10वां देखें, एक्सरसाइज 5.3। अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हैं तो आपका क्वेश्चन सेम टू सेम मैच कर रहा होगा, क्योंकि हम ये मुख्य एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। और एक बात ध्यान रखना बच्चा, किसी भी बोर्ड से हो आप, कोई भी प्रकाशन की किताब लिए हो, उसमें लिखा होता है एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित, मतलब सारी किताबें एनसीईआरटी पर ही होती हैं। चाचा जो है ना वो एनसीईआरटी वाले ही हैं, बाकी सब उनके बेटवा हैं। जो आप लिए होगे वो मनोहर्रे के लिए होगे, नूतन वगैरह लिए होगे, बालाजी लिए होगे, या मतलब कोई भी लिए होगे, जितनी प्राइवेट बुकें हैं और भी बहुत सारी, तो याद रखना एनसीईआरटी मेन है, हम एनसीईआरटी मेन पढ़ाते हैं। उसमें से अगर आप देखोगे तो आपका कल्याण होने वाला है। सुमंत कुमार गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सुमंत जी। तो अब ये 10 नंबर क्वेश्चन हो गया, आप लोग मुझे ये बताओ 11 नंबर कर लोगे कि बताना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 11 कर लोगे कि बताना पड़ेगा। देखो जो बचवा तो टाइम से जुड़ा था उसे तो समझ में आया होगा, और जो क्लास में देर में जुड़ा उसे समझ में थोड़ा कम आया होगा, इसलिए क्लास में टाइम पे आया करो। जब क्वेश्चन शुरू हो तब आपको रहना जरूरी है, बीच में आओगे तो समझ में नहीं आएगा। हाँ तो सुबह 5 बजे से लाइव आ सकते हो सभी ना, अगर कोई समस्या है तो बता दो कि हाँ गुरुजी हम सुबह 5 बजे नहीं आ पाएंगे, बंद करो ये सब कहानी, आ जाओगे ना। चलो अच्छा, छोटे छोटे क्वेश्चन थोड़ा सा और बता दें आपको। हमारी कोशिश है कि आपको आए जितना हम पढ़ाएं, बाकी पहली बैच में मैंने 10 चैप्टर पढ़ा दिया है। आप देखो तो अभी अभी पहली बैच में कुछ दिन पहले मैंने उसे रोका है, 10 चैप्टर पढ़ा दिया हूँ, इसमें तो 5वां चल रहा है। आप चाहो तो PVR स्टडी 3.0 चैनल पर जाके देख सकते हो, ठीक है। इसमें 10 चैप्टर पढ़ाया गया है, प्लेलिस्ट बनी है, PVR स्टडी 3.0 ये चैनल है क्या बेटा, इस पे पढ़ाया गया, प्लेलिस्ट है जाके देख लो। सनी यादव गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सनी। बस लेकिन बस करो ना, इतना ज़्यादा गुड मॉर्निंग भी ना करो कि यहाँ कोई दूसरे का कमेंट ना आए, ठंडा ना कर दो एकदम से, नहीं तुम्हें हम 5 मिनट के लिए आराम पे भेज देंगे, ठीक है मिस्टर सनी, 5 मिनट के लिए आराम कर लो बेटा तुम। चलो तो अच्छा, कुछ और भी इसमें से हम आपको करवा देते हैं, फिर से ध्यान देना आप लोग, मुझे बताना। अब 11 नंबर उसके आगे का क्वेश्चन भी करवाएंगे, लेकिन बड़ा इम्पॉर्टेंट है, पहले इसको कर लो। संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका n-वां पद an बराबर 3+2n से दिया जाता है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, ठीक है, इसी पर आधारित है, ध्यान से सुन लीजिए, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, एनसीईआरटी का उदाहरण है ये बेटा, एनसीईआरटी का उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप देखोगे तो उदाहरण वगैरह भी दे दिए जाते हैं, एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं परीक्षा में, जो आपकी किताब में एग्जाम्पल दिया जिसे तुम कभी देखते नहीं हो ना, कहते छोड़ो इसको ये तो हल करके दिया है, वो आपके पेपर में आ जाता है। AK जी गुड मॉर्निंग, अवधेश निषाद जी गुड मॉर्निंग, सभी को गुड वाला मॉर्निंग। अब चुप्पे पढ़ लो, क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, पेज नंबर 123 है, जो NCERT किताब लिया है पेज नंबर 123, कह रहा कि संख्याओं ओनली फॉर स्टडी पर रहिएगा। अच्छा सुनिए, कह रहा कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए,
संख्याओं के उस सूची का प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। का यनवा पद ए एन बराबर 3+2n से दिया जाता है। यनवा पद 3+2n से दिया जाता है। थोड़ा सा लैंग्वेज क्वेश्चन की अलग है, तुम्हें कम समझ में आया होगा। इसका मतलब है कि जो यनवा पद है वो 3+2n के माध्यम से निकाला जाएगा कुल मिला के। चलो समझो, आप यहाँ पे लिखो हल में लिखो। देखो चूंकि ये दिया है, क्या दिया है, ए एन बराबर 3+2n दिया है ना, तो इसमें से क्या करेंगे हम, पहले एक एपी निकालेंगे, एक समांतर श्रेणी निकालेंगे। और अगर आप ये देखो तो जो श्रेणी अभी अभी इसमें आई थी ना, वही श्रेणी इसमें भी आएगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होगा। आप देखो फटाफट, चलो लिखो। इसलिए अब हम श्रेणी प्राप्त करेंगे, ए वन एन की जगह पे वन रखेंगे तो 2 × 1 यानी ए वन 5 आएगा, ए टू 3+2 × ध्यान देना एन की जगह पे 2 रख रहे हैं बच्चा, तो 2 का 2 में गुणा करोगे तो ये 4 हो जाएगा। फिलहाल अभी मैं कर नहीं रहा हूँ, अभी मैं एन की जगह पे 2 रखूंगा तो ये कितना जाएगा, 2। अब ये 3 और ये गुणा करोगे तो 4, यानी ये 7 हो जाएगा। किसी को नहीं समझ में आएगा तो बता देना। इसी तरह से ए 3 करोगे तो 2 × 3 ये 3, 9। इसी तरह से बेटा ए 4 भी निकाल लोगे, 2 × 4 = 8, 3 = 11। अब मैं इसको नहीं बताया, बाकी आप जान गए कैसे करना है ना, आप सबको पता है ना कैसे श्रेणी बन गई ना। ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन फिर से सुन लो बच्चा। एनसीईआरटी का उदाहरण है ये, पेज नंबर आपका 123 पे दिया है, उदाहरण नंबर है 15। बोर्ड परीक्षाओं में एग्जाम्पल जरूर पूछे जाते हैं अक्सर, देखो पूछ लिए जाते हैं बच्चे, क्योंकि उस पर ध्यान नहीं देते, कहते हैं ये तो उदाहरण में दिया। सुन लो फिर से, क्वेश्चन क्या कह रहा था, कह रहा था कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसका यनवा पद ए एन बराबर 3+2n से दिया जाता है। ठीक है, यनवा पद ए एन बराबर 3+2n से दिया जाता है, याद रखना, बात पक्की। चलो तो अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमें ये दिया है, अब हम हल पे आ गए, सोल्यूशन पे, क्योंकि n इक्वल दिया है n, यहाँ से हम एक एपी निकालेंगे, मतलब वो श्रेणी निकालेंगे जिसके प्रथम पदों का योग पूछ रहा है। भाई बिना श्रेणी के हम क्या करेंगे, मुंह पीटेंगे का, पहले वो श्रेणी ढूंढेंगे ना कहाँ है। तो हम n के अलग अलग मान रख के एक श्रेणी निकालेंगे, पहले n का मान 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3, फिर 4 ऐसे। तो हमने देखा n का मान 1 रखने पर 5 आया, 2 रखने पर 7 आया, 3 रखने पर 9 आया, 4 रखने पर 11 आया। अब आप लिख सकते हो, नीचे लिखो, इस प्रकार यहाँ आगे हल कर लीजिए आधा, इस प्रकार प्राप्त संख्याओं की श्रेणी, जो हिंदी बोल रहा हूँ लिख लो, मैं लिखूंगा नहीं, इस प्रकार प्राप्त संख्याओं की श्रेणी बराबर 5, 7, 9, 11। अब हम चाहे जितने पद लिख डालें, क्यों, क्योंकि हमें पता चल गया 2-2 का अंतर है ना, तो फिलहाल हम बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे, इतने बड़े भी फ्री नहीं है, इतना लिख दो बस। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त श्रेणी बराबर, ये मतलब जो मैंने बोला था, इस प्रकार प्राप्त श्रेणी बराबर इतना लिखना है। ठीक है, इसको लिख लो जल्दी से। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, इनके सारे जो मान हैं, जो इनकी विशेष नीड है उसको लिख लो भैया। अगर ये श्रेणी है बाबू तो ए का मान क्या होगा बोलो, अच्छा डी का मान क्या होगा बोलो, एन का मान क्या होगा बोलो, काहे शर्मा रहे हो। देखो
अगर ये श्रेणी है तो जहां से ये शुरू है वो प्रथम पद है, प्रथम पद का मतलब ए है, तो ये पांच है। इनका कॉमन डिफरेंस यानी डी अगर देखेंगे तो दो है, कैसे दो आएगा वो मैं बताऊंगा, सबर करो। एन का मान 24 आएगा क्योंकि 24 पदों का योग निकालने को बोल रहा था, क्यों भैया यही ना। तो चचा जब सारे औजार तैयार हैं तो फिर लड़ाई करने में क्या दिक्कत है, हाँ सब कुछ जब मिल गया तो आप योग नहीं निकाल लोगे, अब तो निकाल लोगे ना, समझो थोड़ा सा। ये डी कैसे आता है, देखो इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। मैं पहले अगर शुरू में पढ़े हो तो मैं सब बताया हूँ, दूसरे पद से पहला पद घटाओ, तीसरे पद से दूसरा का घटाओ, चौथे पद से तीसरे का घटाओ, मतलब अपने से नीचे वाले को घटाओ उसमें से बस। आप देख रहे होगे सब में दो दो का अंतर है और इसी को कॉमन डिफरेंस डी बोला जाता है। जुमा समझ में आ रहा है, पूरा आ रहा है अच्छे से, मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी तक। क्या देख रहे थे, हमको देख रहे थे, क्वेश्चन देख रहे थे। अगर नहीं लिखे हो तो थोड़ा वीडियो बैक करके इसे देख लेना, फिर से दिख जाएगा, ये कहीं जाएगा नहीं। जो बच्चा नहीं लिख पाया था इसे, वीडियो थोड़ा पीछे करके वो देख सकता है। क्लियर ना, चलिए अब आप इसका योगफल निकालोगे, लिखोगे आता यस एन इक्वल एन अपान टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें सारे मान रख दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ गया। देखिए सारे मान यहाँ पे निकाले हैं, तो भैया एन का मान 24 आया बाबू, तो ये आपका हो जाएगा 24 हो जाएगा इक्वल एन की जगह पे हर जगह 24 हो जाएगा, तो 2 इंटू ए ए की जगह पे 5 प्लस एन एन की जगह पे 24 और डी का मान 2, सारी कहानी पूरा इसी में हो जाएगी। तो ये आपका 12 आएगा क्योंकि 2 से भाग करोगे 24 में तो 12 आएगा। अब तुम छोटका बच्चा तो हो नहीं नन्ना भर का कि तुमको ये भी बताएं कैसे आया, हाँ 3 × 5 = 10 प्लस 24 में से एक घटाओगे 23 आएगा, और 23 का जब 2 में गुणा करोगे बच्चा तो 46 आएगा। अगर आपको ये भी नहीं आ रहा ना तो आप PBR स्टडी ऐप में 0 लेवल वाली गणित पढ़ो, पहले 0 लेवल वाली पढ़ो तो तुम्हें आने लगेगा। या 0 लेवल देख लो, अगर नहीं आ रहा तो टेंशन मत लो, आएगा। इसका मान कितना आएगा, ये इतना मल्टीपल कर लो आ जाएगा 12×72 हासिल आया 7 और 12×5 = 60 60 7 67 ये आंसर आ गया भैया 672, यानी जो यस 24 आया कितना आया 672। बात समझ में आई ना, अगर कोई प्रकार का डाउट है तो बताइए, बिल्कुल।